पहले हाँ बताओ शिवानी, पहले टॉपिक के बारे में। टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो इसको मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूंगी, तो गौतम बुद्ध की कहानी से शुरू करूंगी। सिद्धार्थ जब किंगडम की सैर करने गए थे अपने साथी के साथ, तो वो सबसे पहले देखते हैं एक ओल्ड मैन डेड बॉडी और पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि खुद को क्वेश्चन करते हैं कि ये मतलब एक मिनट, द क्वेश्चन हिमसेल्फ इन दिस व्हाट गोइंग टू हैपन विद मी, कि क्या ये मेरे साथ भी होगा, क्या बर्थ क्या होती है और डेथ क्या होती है और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है एक्सेट्रा। तो डिस्कवर करते हैं इन सब क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को डिस्कवर करने के लिए वो मतलब अपना घर छोड़ देते हैं और फिर गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वन हैज टू एक्सप्लोर वन ओन थॉट, खुद के थॉट को प्रोसेस करना पड़ता है, आइडियाज को, रैशनैलिटी को, वैल्यूज को, कंपैशन को, ओपिनियंस को एक्सेट्रा। सर मैं सही जा रही हूँ ना, पहले बता देना। ठीक है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सेल्फ डिस्कवरी इज द डिस्कवरी ऑफ योर ओन माइंड और सोल। सेल्फ डिस्कवरी होती है खुद का दिमाग और खुद की आत्मा, अंतरात्मा को जानना। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। और ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब ये अपन लर्न करते जाते हैं कि कैसे अपन अपने आप को बदलते जाएं। अपन खुद से क्वेश्चन करते हैं इसमें। और सेल्फ डिस्कवरी गौतम बुद्ध ने बोला है कि जो लाइव वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सोरो है और पीपल सफर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ डिजायर। इफ यू कॉन्कर डिजायर यू विल अटेन निर्वाण एंड वो आप डेथ और बर्थ के साइकिल से निकल जाओगे। तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने रिकमेंड किए हैं अष्टांगे का मार्ग, जिसको बोलते हैं राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। पर हमने अब अगर आज के समय को हम देखें तो हमने क्या मतलब ऐसा क्या बदल गया है। तो आज की जो सेल्फ डिस्कवरी, बट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज आउटसोर्स टेक्नोलॉजिकली इन टूडेज वर्ल्ड। आज के वर्ल्ड में मतलब एक आए कि मतलब आँख झपकते ही फटाफट अपन सर्च कर लेते हैं, अगर अपन को किसी भी चीज से मतलब क्रियोसिटी होती है कुछ जानने की तो। नाउ टेक्नोलॉजी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मोल्डिंग आर मतलब हमारे जो भी आइडियाज है, जो भी हमारे थॉट्स है उनको मोल्ड करती है। और विद द क्लिक ऑफ अ बटन, एक बटन के क्लिक से ही हमें हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं कि इसका ये आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर अपन एक और इंस्टांस, एक एग्जांपल देखें कि एक मतलब यंगस्टर होता है वो सर्च करता है कि मुझे इंटरव्यू में कैसे बोलना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो उसने उस पूरे प्रोसेस को आर्टिफिशियल बना दिया। इंस्टेड उसके बजाय उसको क्या करना चाहिए था, उसको खुद के अंदर झांकना चाहिए था और उसको खुद के अंदर झांकना चाहिए था और खुद से ही ये सवाल पूछने चाहिए थे, पर उसने उस चीज को टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया। दो टेक्नोलॉजी मे प्ले, हाँ मैं अपन मानते हैं, पर टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी हो सकता है सेल्फ डिस्कवरी का, अगर आप उसको अपना सही कंपेनियन बनाएं तो। ओनली इफ यू ड्रॉ अ लाइन, अगर आप ड्रॉ कर दो एक लाइन कि इंटरनेट एज अ ब्लेसिंग और एज अ अभिशाप, है ना। फॉर इंस्टेंस इफ यू ब्लेंड टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, तो इंटरनेट हैज अबेंडेंस ऑफ नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें तो। वी शुड रिस्ट्रिक्ट सेल्फ डिस्कवरी ऑफ आवरसेल्व्स इन अ विया आईज ऑफ अदर, और हम क्या करते हैं सेल्फ डिस्कवरी को हम दूसरों के मुताबिक देखते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। जैसे हम आजकल यूज करते हैं AI का, और क्या यूज करते हैं अपन, AI, ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो भी मतलब ये चीजें होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि मतलब कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और हम मतलब कोशिश करते हैं कि दुनिया हमें बताए कि हम कैसे हैं या क्या
दिखना चाहते हैं। और सर इसको है ना, मतलब मुझे लगा नहीं कि इसको पॉलिटिकल एंगल या सोशल एंगल या कल मतलब ऐसा कोई एंगल दिया जा सकता है। आए थोड़ा फिलोसॉफिकल ज्यादा है। हाँ तो मेरे को वो एंगल तो आया ही नहीं समझ के, कुछ एंगल मतलब मैंने सिर्फ बुद्धा से शुरू की इसको, इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत आ गई, नहीं तो कुछ भी नहीं आता। और मैंने इसको सर्च नहीं किया, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। सर्च क्यों नहीं किया आपने? सर्च मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या होता है, मैं फिर उसी को लिख डालती हूँ, मतलब खुद का दिमाग नहीं लगाती, तो इसलिए मैंने इस तो ऐसा किया करो ना। देखो एक तरीका होता है कि आप पहले खुद से सोचो, ठीक है, जितना आप रैंडम थिंकिंग कर पाते हो अपने आप सोचो जितना भी, ठीक हो उसमें बहुत सारे फालतू के वे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे मान लो कि आपने 10 पॉइंट कलेक्ट किए, ठीक है, आप रैंडम सोचो जो भी है एक्स वाई जेड, 10 पॉइंट आपने कलेक्ट किए, उसके बाद में जो कुछ कुछ मॉडल आंसर आपको जो मिलेंगे यूट्यूब पर जाके देखो या चैट जीपीटी जाके देखो, फिर उसमें अपने आप देखो कि कितना, जितने 3-4 जगह से पढ़ो वहाँ से देखो कितने पॉइंट अपने सही हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब धीरे 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 तुम्हारा टॉपिक के जो एकदम मेन डिमांड है उस पर पहुँचने लग जाओगे। अब जब आप मान लो कि ऐसे रैंडम थिंकिंग किया, अब आपको भी आप खुद भी डाउट में कि सही है गलत है क्या है, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो ज़्यादा अच्छा कि उसमें क्या वैल्यू इनपुट भी हो जाएगा अगर आप दूसरों को सर्च करोगे, और खुद का भी पता लगेगा हम किस लेवल तक सोच पा रहे हैं क्या है। पर सर ये टॉपिक ही ये था कि सेल्फ डिस्कवरी, तो मैंने इसलिए थोड़ी इन्फ्लुएंस हो गई कि हाँ खुद ही सोचना चाहिए हर चीज के बारे में, क्यों मतलब सेल्फ डिस्कवरी वो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने अपने हाथ तक, ये तो वही हो गया ब्रह्मास्मि मैं ही ज्ञानी हूँ, उसके बाद तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, तो वो वाली बात नहीं है ना ये तो। चलो सर एक बार बता दो इसका मतलब थोड़ा, नहीं मतलब एग्जाम्पल दे, जब तक एग्जाम्पल नहीं दोगे तो ऐसे कहाँ रहेगा कोई। आप एक एग्जाम्पल मेरे अनुसार तो इसमें से आप जो लिखो 2 पेज भी नहीं भरेंगे इसमें तो। हाँ 1.5 पेज ही भरा मेरा। अब आप सोच लो कि 12 पेज का ऐसे लिखना तो कैसे कंप्लीट होगा। 12 पेज लिखने पड़ते हैं तो, और क्या आप कहाँ सो रहे हो, 25 पेज होते हैं मतलब। मैं तो सोच रही थी 6 पेज में खत्म कर देते शायद ऐसे तो। नो 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 ऐसा नहीं होता। 12 पेज सर आइडिया कहाँ से आएगा इतना, वही तो लेना पड़ता है। अच्छा इतना तो इसलिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट तुम्हारे पास एग्जांपल होने चाहिए, तभी वो दिख ही रहा ना, एग्जांपल की कमी है। ठीक है नूरी, नूरी बताइए आप, नूरी भी आज अपने आत्मज्ञान से बताएगी। नूरी बताओ अपने आत्मज्ञान से बताइए नूरी। सर अभी तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, देख कर बता सकती हूँ दृष्टि वाली बुक से। अच्छा देख के बताना, तो देख के बताना पहले काम करके आना चाहिए। आप बताओ सना जी, आप बताइए क्यों ऐसे कैसे काम चलेगा। युवराज हाँ बताओ सर, आज आप अपनी कॉपीज भी दिखाने वाले थे ना आपने इस पे। हाँ मैंने लिखा है इस पे, मैं पढ़ के बताता हूँ या इसकी पीडीएफ बनाओ। चलो ठीक है मैं पीडीएफ से बुक करवा दूँ तो ठीक है। मैंने किया है ये टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक इसमें मैंने ऐसे लिखा है, और इधर जो है ये वाला टॉपिक लिखा है मैंने, 8 टॉपिक भी लिखा है। ठीक है तो ये मैंने लिखे हुए हैं शायद, में लिखा हुआ मैंने इस पर लिखा था, और उसी टाइम लिखा था जब 2021 का मेंस हुआ था तभी मैंने लिखा था। तो सर एक बात बताओ, अगर जैसे ये फिलोसफिकल सेंस में था तो सर वहाँ पे इतना फिलोसफी मतलब ऐसे दिमाग कैसे चलेगा कि इतना फिलोसफी कहाँ से लाए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो 2013 से लेकर 2024 वाले टॉपिक वही मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इन्हीं टॉपिक को रिसर्च कर लोगे अच्छे से, बस वही आप लोग लापरवाही कर रहे हो, देखो कुछ लोग क्लास ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा भाई। आपको अगर मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि आप देखो कितने लगभग 8 × 2 = 8, 10 × 8 = 12, 96 टॉपिक है 96 टॉपिक में काम कर लोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, जो 8 टॉपिक आएंगे ना ऐसे के वो सारे तुम्हें आएंगे। तो जैसे आपके पास एग्जाम था उसमें 8 में से मुझे 6 टॉपिक तो आराम से आ रहे थे जिसमें मैं लिख सकता था, पर मैंने सर मैं ना ये 3 दिन मतलब मैंने 3 या 3रा दिन आज या 4था दिन पता नहीं, तो 3 दिन में काफी सेल्फ इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी तो देखो ना 2021 में ही, अभी तो सोचो 8 साल के और पेपर करेंगे तो बहुत हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अपन इथिक्स वाले करेंगे, जो कोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही है, क्योंकि जो इथिक्स में जो कोर्ट पूछा था ना उन्होंने एक बार ऐसे पूछा है वही डायरेक्ट सेम, तो अपन दोनों करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा पूरा ऐसे की तैयारी हो जाएगी। उसमें भी अपन इसके बाद में जैसे ऐसे कंप्लीट होगा ना उसके बाद में कोर्ट्स वाले क्वेश्चन करेंगे इथिक्स के, फिर अपन इथिक्स पढ़ेंगे फिर इथिक्स के क्वेश्चन करेंगे। मेरे को टेलीग्राम पे भेजो। सर मैं ऐसे कह रही थी कि PYQ की मैं ना PDF निकाल लूं और OMR शीट की कॉपी खरीद लेती हूं बस। हाँ
और पीवाई का फोटो कॉपी महंगा पड़ जाएगा ना, 5 रुपए कॉपी बता रहे हो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। हाँ तो मैं 2018 के फिर लगा दूंगी और सारे लगा लूंगी ऐसे, क्योंकि ऐसे तो मतलब अपन वेस्ट भी तो कर रहे हैं ना, रिसोर्स पेपर वेस्ट हो रहा है सबसे मेन बात। तो आप ऐसे टेप ले लो ना, टेप पे लगा लो, टेप ले लो आप, ज्यादा बेहतर तो वही है आज के जमाने में, स्मार्ट वैसे तैयारी। हाँ समय में फोन नहीं है, टैबलेट ही दे रखा है घर वालों ने, फोन नहीं दिलाते। हाँ तो फिर तो बढ़िया है, तो आप टेप पे दो टेस्ट, 2 घंटे ओएमआर शीट ले लो, फिर ओएमआर पे बस वो गोला भरने का काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वो दोनों काम हो जाएगा क्या? दोनों पे ये अच्छे दोनों दोनों की बनाए ना, उसमें दो है क्या? दूसरे के भेजो, दूसरा कौन सा? वो इसी का ही टॉपिक है दूसरा भी, कौन सा? ये आपकी मेरे बारे में धारणा। हाँ ये सेकंड टॉपिक ही तो है ये। चलो ठीक है, मैं मेरा पढ़ के बताता हूँ, ये मैंने लिखा था उसी टाइम 2021 में ही। चलो ठीक है, अब देखो उससे पहले मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ। पहले तो आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ डिस्कवरी क्या होती है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली बात है कि भाई पहले क्या प्रोसेस होती थी जो आप जो टेक्नोलॉजी में दे दिया, तो मतलब समझ में आया। तो पहले आपके बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा कि पहले लोग क्या करते थे अपने आप को जानने के लिए, और अभी जो अपने आप को जानने के लिए लोग कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या जो भी है, तो उसमें क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या सारी चीज़ें, वो यही एक ऐसे का मेन थीम है, इसी पे ही चलना चाहिए ऐसे पूरा, ठीक है? देखो मैंने जो लिखा है उसमें कुछ बीच में एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा मैं। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब एक सोशल मैन है, ठीक है? तो मनुष्य क्या करता है, आत्मसंधान की प्रक्रिया के माध्यम से पशु से आधुनिक मानव की तरफ विकसित हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है ना, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में, जैसे अपन अगर डार्विन की थ्योरी देखते हैं या जो भी है कि अपन पहले भाई बंदर थे, ठीक है? तो आधुनिक मानव की तरफ विकसित हुआ है डार्विन के सिद्धांत, जो उद्विकास प्रणाली के माध्यम से मनुष्य पहले पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करता था, ठीक है? परंतु जब से मनुष्य ने खुद को जानने का प्रयास किया, ठीक है, तो ये होगी सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानने वाला, उससे मानव का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से विकास हुआ है। इस प्रक्रिया में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि मानव को आवाज कराती है कि वे एक सामाजिक प्राणी है। अब देखो मैं कैसे टॉपिक से उसको कोरिलेट करूँगा, मैं फिर बता रहा हूँ, माइंड में बार बार आपका टॉपिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप, अब देखो मैं आखिर में इसको ना कोरिलेट कर दूंगा पूरा टॉपिक को। अब हम सर्वप्रथम आदिम काल में, अब देखो मैंने ये हिस्ट्री क्रिएट की थी कि भाई अपने सेल्फ डिस्कवरी के द्वारा मानव ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा सब चीज़ कैसे अपने आप को किया है, ठीक है? और पहले लोग क्या करते थे वो सारी चीज़ें। अब हम सर्वप्रथम आदिम काल में देखें तो हम पाएंगे कि मनुष्य अपने आप को जानने के लिए गुरु के पास जाता था। जैसे मान लो कि पहले वो सिस्टम चलता था ना, गुरुकुल सिस्टम चलता था, ठीक है? गुरु के पास जाता था या फिर स्वयं आत्मसंज्ञान की खोज में लग जाता था। इसका उदाहरण महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने स्वयं को जानने के लिए राजपाट को छोड़कर जंगल का रास्ता चुना, जो आपने एग्जाम्पल दिया था मैंने वही डाला इसमें, ठीक है? और आत्मज्ञान के आधार पर गया में, जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त, मतलब जो ज्ञान प्राप्त होता है, गया में उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यही प्रक्रिया हम महावीर, अब देखो मैंने सेकंड एग्जांपल डाला, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी के जीवन काल को में भी देख सकते हैं कि तो सर ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डालें। ना नहीं, बहुत सारे एग्जांपल डालने पड़ेंगे आपको। अब देखो मैं डाल तो रहा हूँ ना, जैसे महात्मा बुद्ध का डाला मैंने कि वो जंगल गए, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की, अपने आप को खोजा। फिर महावीर स्वामी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आगे। यही प्रक्रिया हम महावीर स्वामी के जीवन काल में भी देख सकते हैं कि जिन्होंने खुद को जानने के लिए जंगल का मार्ग चुना और आत्मज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है? तो पहले ये तरीका होता था, लोग घर बार छोड़ के जाते थे, जंगल में जाते थे, वहाँ अपने आप को खोजते थे, ठीक है? अब मैंने बोला ना कि पहले अपने को आपको बताना पड़ेगा भाई पहले क्या तरीके थे अपने आप को खोजने के, ठीक है? परंतु हम देखते हैं, अब देखो मैंने जैसे पैराग्राफ चेंज किया तो मैंने इसमें लिखा है, ये जो और जो लोग लिख रहे हैं लोग यही गड़बड़ियाँ करते हैं कि वो पैराग्राफ को लिंकेज नहीं करते, ठीक है? अब देखो परंतु हम देखते हैं कि ऋग्वेदी काल में, अब देखो मैं एंशियंट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, एंशियंट मिडिवल पर ऐसे जाऊँगा।
ऋग्वेदिक काल में गुरुकुल शिक्षा के आरंभ होने से लोगों को आत्मसंधान की प्रक्रिया में गुरुओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, उस टाइम जब गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा था, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अर्जुन हो गए, राम लक्ष्मण के द्वारा देख सकते हैं। गुरु की सहायता से इन्होंने अपने आप को जाना कि हम कौन हैं। ठीक है, इनको सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता था, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे गीता में अर्जुन को बताते हैं, ठीक है, भगवान जो श्री कृष्ण बताते हैं, वैसे राम लक्ष्मण जो उनके गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे शायद, वो उनको जो बताते हैं, ठीक है, हम कौन हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और हम यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं। ठीक है, यही आत्मसंधान की प्रक्रिया में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हम रामायण के लंका कांड में देख सकते हैं, जब हनुमान को अपनी शक्तियों को बताने के लिए वानर सेना ने उनको एहसास दिलाया, जो जम्बो क्या नाम थे, जम्बा जी ऐसे करके थे ना, जब जब याद करो, जब वो सीता को खोजने जाते हैं तो फिर वो समुद्र को देखते, तो हनुमान जी को पहले शक्तियाँ थी परंतु भूल गए थे, उनको कुछ श्राप मिला था इसके कारण, तो उनको रियलाइजेशन नहीं था, तो फिर उन लोगों ने रियलाइजेशन करवाया उसको। ठीक है भाई, अपनी जो सेल्फ डिस्कवरी, तुम अपने आप को जानो। तो हनुमान को अपनी शक्तियों को बताने के लिए वानर सेना ने उनको एहसास दिलाया, जिसके कारण हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का जाना और समुंदर को आसानी से पार करके माता सीता का पता कर पाए। ऐसा ही अन्य उदाहरण भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में भी देख सकते हैं, कि गुरु की सहायता से धोनी अपने आप को जान पाए कि उनकी क्षमता का प्रयोग क्रिकेट में हो सकता है, ना कि फुटबॉल में। अगर वो मूवी देखोगे ना धोनी वाली, तो उसमें स्टार्टिंग में है, जब धोनी, उसको शौक था फुटबॉल का, परंतु उसको जो कोच है वो एडवाइस करते हैं कि नहीं, आप फुटबॉल के लिए नहीं बने, आप क्रिकेट खेलना चाहिए। तो इसमें ऋग्वेदिक काल के उदाहरण धोनी के लिए आ गया, अब वो अब प्रेजेंट में आ गया ना, अब उसके बाद में, मतलब मैंने वहाँ से लिया एग्जांपल, उसके बाद इधर आ गया, तो जरूरी से बस एंशियंट काल उधर शुरू किया, मिडिवल काल में, फिर मैं डायरेक्ट इधर आ गया। ठीक है, मतलब यही मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं आगे मैंने क्या किया। देखो नहीं, वो सही है, मैं अब आगे उसके बाद, अब देखो मैं इथिक्स में लेके जाऊँगा इसको। इससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर में आत्मसंधान क्या, देखो ये होता है यहाँ से, अब आपको ये हर चीज हर ऐसे में लिखना चाहिए, इससे नंबर मिलते हैं, मैंने देखा है। इससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर में आत्मसंधान की प्रक्रिया क्या है, आखिर में तथा इसको जानने के माध्यम क्या क्या है, और इसका जानना क्या अनिवार्य है, आत्मसंधान की प्रक्रिया का मतलब, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सी क्षमताएँ हैं, मेरे किस क्षेत्र में विशेष अभिव्यक्ति है, मतलब एटीट्यूड। ठीक है, जैसे धोनी का एटीट्यूड है, सचिन का एटीट्यूड, सचिन को अगर मान लो कि पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता क्रिकेट छोड़ के, तो वो नहीं कर पाते, बस स्वाभाविक सी बात, उनका एटीट्यूड उसी चीज़ के लिए बना था। इसके जानने के स्रोत शिक्षा और समाजीकरण की प्रक्रिया है। आप देखो, ध्यान देखना, पहले मनुष्य खुद को जानने के लिए गुरुकुल जाता था, समाज के द्वारा खुद को जानने का प्रयास करता था, या फिर ये मित्र समूह के द्वारा स्वयं को जानता था, परंतु वर्तमान युग, आप देखो मैं अब आ गया प्रेजेंट सेंस में, कि पहले तो ये तरीके थे, गुरु के द्वारा जाना जाता था, या कोई आपका समाजीकरण सोशलाइजेशन किस तरीके का हुआ है उसके द्वारा जाना जाता, परंतु अभी जो वर्तमान युग है, तकनीकी का युग है, इसमें मनुष्य ने स्वयं को जानने के लिए तकनीकी का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है डिजिटल शिक्षा का प्रसार, क्योंकि हम जानते हैं खुद को जानने में सबसे अच्छा माध्यम है शिक्षा, क्योंकि इसी से ही मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, जिससे मनुष्य अपने आप तथा इस दुनिया को जान पाता है और उसके सापेक्ष अवलोकन करके आत्मसंधान की प्रक्रिया को अपनाता है। पहले यह शिक्षा गुरुकुल में, विद्यालय, कॉलेज के माध्यम से दी जाती थी, अब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं। तो मैंने बता दिया कि देखो पहले तो स्कूल ये, तो अपन आजकल क्या है, डिजिटल एजुकेशन आ गया है ना, अब बच्चे घर बैठे जैसे कोचिंग कर रहे हैं। अब देखो आगे और जमाना टेक्नोलॉजी होगी तो ना, देख लेना बच्चों के जो प्ले स्कूल सब घर पे बैठे होगी, अब उतना स्कूल सिस्टम ख़त्म होते जाएगा। अब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं। पहले मनुष्य इसको जानने के लिए जंगल, हिमालय की गुफाओं में जाता था, परंतु आज के आधुनिक युग में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के कारण मनुष्य आज आसानी से यूट्यूब हो गया, ठीक, यूट्यूब के माध्यम से इस्कॉन जैसी संस्था है उनसे जुड़ के, ब्रह्म ज्योति जो संस्था हो गई, से जुड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहा है और अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। पहले क्या होता, लोग वहाँ जाते थे, परंतु आजकल यूट्यूब खोलो तो मैं जो भी ज्ञान चाहिए, गीता के बारे में जानना जो भी मिल जाएगा आपको, या आत्मा क्या होती है, ये सब सारे ज्ञान मिल जाएंगे। तकनीक का प्रयोग व्यक्ति अपनी अभिव्यक्तियों को जानने में भी कर रहा है। पहले उसके लिए ट्रेनर, मतलब गुरु की आवश्यकता होती थी या ट्रेनिंग करने वाले, परंतु आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसे आप अपने आपकी फिटनेस क्या करना है, क्या वर्कआउट करना, सब पता लग जाता है। गुरु की जरूरत होती थी, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन चेस खेलना ना, जैसे पहले तो भाई चेस खेलने के लिए सीखना तो जाना पड़ेगा, परंतु आजकल वो मतलब जब वो ऐप डाउनलोड हो, सामने मशीन होती है उससे आप खेलते जाओ। लूडो भी अकेले खेल सकते हैं। मशीन के द्वारा क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ठीक है, या टेनिस खेलने में भी तकनीकी प्रयोग बढ़ा है। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने समय प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग किया है, देख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट के लिए।
लेकिन पहले लोग सोचो कि कैसे करते थे, मान लो कि उससे पहले जैसे भाई भाई मुर्गा जब बांग देता तब लोग उठते थे भाई हाँ सुबह हो गई है, आजकल मोबाइल अलार्म का यूज करने लगे, फिर उसके बाद में अपने आप को भाई मैं कहाँ कहाँ अपना टाइम दे रहा हूँ वो मोबाइल ऐप बता देता पूरा आपको, ठीक है। मोबाइल ऐप का प्रयोग जो आपकी क्षमताओं का सही आकलन करके आपको जागरूक करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, परंतु तकनीक के युग में मनुष्य पूरे विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करता है और उसके माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार करता है और आत्मसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाता है। जैसे कि हम देखते हैं लोगों को पेंटिंग या ट्रैकिंग का बहुत शौक होता है, आजकल बढ़ते तकनीकी के प्रयोग ने इन चीज़ों को आसान बना दिया है, जैसे कि ऑनलाइन पेंटिंग हो गया, मतलब बहुत सारे ऐप आते हैं ना जिसमें पेंटिंग आप करो ड्रॉ करो ऑनलाइन एकदम पूरा, नहीं तो सोचो नहीं तो आप कितने सारी चीज़ें लाओगे कहाँ सीखने जाओगे सब कुछ सारी चीज़ें। कंप्यूटर की सहायता से पेंटिंग का निर्माण करना या फिर तकनीकी माध्यम से नृत्य सीखने की कला विकसित करना, आप डांस भी सीख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आजकल, तो ये टेक्नोलॉजी का तो योगदान है ना। लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है परंतु कहीं खो जाने के डर से बाहर नहीं निकलते थे, परंतु GPS के विकास से मनुष्य आज दुनिया के हर कोने में पहुँच रहे हैं और अपने आत्मसंधान की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। इंटरनेट के विकास के कारण महिलाएं अपना सशक्तिकरण कर पा रही हैं तथा तकनीकी के प्रसार से मनुष्य अपने इच्छा को जानकर उस क्षेत्र में कौशल की प्राप्ति कर अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर पा रहा है, जिससे देश का भी सशक्तिकरण हो रहा है। अब देखने इसमें बताऊंगा उसमें कैसे, परंतु अब कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे इससे पहले इसे दूसरे पद्धति में बताया ना कि कभी भी ऐसे का दूसरे डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है। अब मैं वो लिख रहा हूँ, ये तो लिख दिया भाई पहले क्या तरीका था, मतलब कैसे अपने विज्ञान का प्रयोग करके वो कर रहे हैं, परंतु इसका दूसरा पक्ष भी है जो जानना जरूरी है, इसे पहले से दूसरे पक्ष का भी अवलोकन करना जरूरी है ताकि हम एक समावेशी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, इसमें मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक व्यक्ति तकनीकी का प्रयोग करता है, जिसके कारण मनुष्य के सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध कमजोर होते हैं, जिसके नकारात्मक प्रभाव हम तलाक सांप्रदायिकता यौन उत्पीड़न साइबर ट्रोलिंग बुलीबाई ऐप जो उस टाइम फेमस हुआ था ये 2022 के दौर में 2022 के दौर में बुलीबाई ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तकनीकी का बढ़ता प्रभाव मनुष्य के जीवन शैली पर भी नकारात्मक असर डाल रहा है, जैसे डिप्रेशन आ गया, एकाकीपन हो गया, मोटापा, शुगर आदि। इससे मनुष्य अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो आत्मसंधान की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ मन में ही विचारों का जन्म होता है, ठीक है। जब विचार ही उत्पन्न नहीं होंगे तो मनुष्य अपने आप को कैसे पहचान पाएगा, स्वाभाविक सी बात है, जब आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। मनुष्य ने अपने जीवन में तकनीकी अधिक उपयोग के कारण अपने आप को जानने की प्रक्रिया में भटक जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि डिजिटल शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इंटरनेट के प्रयोग से भी विस्तार हुआ है, जिसके कम उम्र के बच्चों में इंटरनेट के प्रयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं के डाटा ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सेक्सुअल कंटेंट में वृद्धि देखी गई है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तकनीकी के बढ़ते प्रयोग ने मानव जीवन के अस्तित्व के समक्ष चुनौती प्रकट की है, क्योंकि फेक समाचार हो गया, तकनीकी का गलत उपयोग हो गया, डीप वेब हो गया, साइबर अपराध जैसे बढ़ रहे हैं, जिसे सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सहिष्णुता तकनीकी हमें नहीं सिखा सकती। ये बात भाई, टॉलरेंस आप टेक्नोलॉजी से नहीं सीख सकते, ठीक है, आप अपने आप को नॉलेज बढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पहले आप टॉलरेंस सीख से ले सकते हो, वहाँ से आप जब स्कूल में जाओगे तभी टॉलरेंस पावर सब चीज़ें सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का कारण कहीं ना कहीं तकनीकी का गलत प्रयोग है, ये बात सही है, जैसे साइबर ट्रोलिंग हो गई, ठीक है, या बुलीबाई ऐप जैसे हो गया, ठीक है, या सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, जैसे इमेज का डीप वेब के कारण उसका इमेज का मिसयूज किया जाता है। वहीं युवाओं द्वारा तकनीकी के गलत प्रयोग से तालिबान और IS जैसे आतंकवादी संगठन या संस्थाओं में शामिल होना बहुत चिंता का विषय, अतः यह आवश्यक है कि हम अपनी आत्मसंधान की प्रक्रिया में तकनीक का प्रयोग तो करें परंतु सामाजिक प्रक्रिया का भी प्रयोग करें, तभी हम अपने जीवन को बेहतर एवं समावेशी बना सकते हैं। अब देखो, मैंने बता रहा था केस स्टडी डालना चाहिए, मैंने ये एग्जाम में भी डाला हूँ, अब देखो मैंने केस स्टडी डाला यहाँ पे। आत्मसंधान की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें तकनीकी का प्रयोग तो हो परंतु हमारी सामाजिक संस्कृति में सामाजिक ज्ञान का भी भरपूर प्रयोग हो। इसके लिए हम जैसे कि बच्चों को अपनी क्षमताओं की जानकारी के लिए स्कूल शिक्षा में कला शिक्षा मतलब आर्ट का एजुकेशन देना चाहिए, खेल शिक्षा देनी चाहिए, समय प्रबंधन शिक्षा, यौन शिक्षा, ग्रामीण सर्वे या पर्यटन सर्वे, जनजातीय सर्वे, भारत भ्रमण आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो वहीं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग भी किया जा सकता है, मतलब अपने को स्कूल लेवल पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप टेक्नोलॉजी के उसमें हेल्प लो, परंतु ऐसे नहीं कि ओनली आप टेक्नोलॉजी के ही सहारे आत्मसंधान करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है।
अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। अतः निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि आत्मसंधान की प्रक्रिया आजकल तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है, ठीक है, परंतु यह पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है। आज भी मनुष्य जन्म के पश्चात उसका समाजीकरण उसके परिवार में ही आरंभ होता है, जिसमें माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके द्वारा नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में सही गलत का फर्क करना सीखता है। तो वहीं स्कूल और कॉलेज में गुरु एवं पीयर ग्रुप की सहायता से सहयोग, संगठन, समय प्रबंधन जैसे गुणों को सीखता है, जो उसके पूरे जीवन में काम आता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को जानने की प्रक्रिया में आज भी सामाजिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु तकनीकी प्रयोग ने आत्मसंधान की प्रक्रिया में अधिक समावेशी बना दिया है, ठीक है। तो मतलब वही है कि देखो, मैं फिर बारा बता रहा हूँ कि आपके पास अब इसको हो सकता है कि देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल से लिखता हूँ मोस्टली, कोई व्यक्ति हो सकता है इसको ऐसे लिखेगा कि थोड़ा भाई देखो, आत्मसंधान प्रक्रिया पहले ये थी, आज ये कर रहे हैं, परंतु इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, व्यक्तिगत क्या हो सकता है फ़र्क। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, बस इतना याद रखो। सपना, तुम बताओ इस टॉपिक के बारे में। सपना, हेलो। हाँ बताओ बताओ, तुम इस पहले टॉपिक के बारे में बताओ। मैं वही बताऊंगी जो आपने बता दिया था, कुछ कुछ उसमें से। वो नहीं, जो उसके अलावा जो कुछ हो वो बताओ, आपके पास जो वो पॉइंट आपने जो तैयार किए बताओ। दूसरा पीढ़े भेजा ज्यादा मैंने ज्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया था। क्या वैसे तो समझ आ गया था, आत्मसंधान तो मेरे को समझ आ गया था, बट ये तकनीकी रूप से ना मैं इसको नेगेटिव वे में लेगी। ले बताओ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ जो आपने तैयार किया वो बताओ ना। अच्छा ठीक है। एक तो वो वाली कहानी लिख तैयार की थी जो हनुमान जी वाली थी। ओके। उसके बाद फिर इसका इंट्रो था कि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी, जितनी भी जैसी भी आपके अंदर कैपेसिटी है उस अनुसार अपने आप को खोजना, अपने बारे में जानना, उसके अनुसार ही अपने लक्ष्य को हासिल करना या फिर उनकी कदम की ओर चलना आत्मसंधान होता है। तो फिर समाज के बारे में, लाइक समाज के बारे में मैंने ऐसे लिखा था कि हम आजकल जैसे तकनीकी होती है, सोशल मीडिया पर कुछ भी आता है तो हम उसको सच मान लेते हैं बिना अपने कुछ भी सोचे हमने, तो हमारे माइंड पर हावी हो जाता है और हम उसी के अनुसार क्रिया करने लगते हैं। दूसरा जियोग्राफिकल नहीं सोचा था, दूसरा ये सोचा था कि जब उसमें हिस्ट्री में कि जब हमारी कृषि की कृषि हालत ठीक नहीं थी, तो फिर हमने जब अनाज मंगा था तो उन्होंने हमको नहीं दिया था, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि स्वयं को हमें अपने आप ही अपने स्वयं को आगे मतलब मजबूत करना होगा कृष्ण, तो उन्होंने अपने आप को सूख पिचाना और सबको बोला कि कृषि के लिए उकसाया और आज हम लोग कृषि प्रधान हो गए। ठीक है, और बता। दूसरा सामाजिक न्याय में सर कुछ भी होता है, लाइक सोशल मीडिया पर कुछ भी आता है जैसे, तो उसके अनुसार ही लोग अपनी भावना बनाते हैं और मॉब लिंचिंग होता है, कॉर्नर किलिंग होता है, इन सबको एक रियलिटी मान के आज भी उन पर अपने आप को रियलिटी माने हुए हैं, जिसके अनुसार फिर लोग कुछ भी बिना सोचे समझे अपना हक जताने लगते हैं, लाइक पितृसत्तात्मकता होती है या फिर जैसे कि कुछ भी होता है, तो वो लड़कियों के लिए एक थिंकिंग अभी भी बनी हुई है, तो वो अभी जा नहीं रही है और उससे कभी कभी आगे भी हो जाता है, मतलब हद पार कर देते हैं, लाइक सेक्सुअल कंटेंट वगैरह। लेकिन इससे इसको कैसे जोड़ेंगे? तो मैं ये टॉपिक से कैसे, पहले टॉपिक पढ़ो सपना, तुम टॉपिक से कोरिलेट करना। अरे ये तो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब खुद को इतना समझ आ गया था पर ये समझ नहीं आया था तकनीकी रूप से कैसे समझा कि, मतलब मैं दोबारा दे, मुझे उस 5 मिनट दो में लास्ट में सुस्ते दोबारा से एक्सप्रेस कर दूंगी। ठीक है, चलो शिवानी आप सेकंड टॉपिक के बारे में बताओ। शिवानी। यस सर। तो सेकंड टॉपिक है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माय रिएक्शन to you is an awareness of me। तो ये मैं कहानी से शुरू करूंगी, वैसे मेरे को 3-4 कहानियां आ गई थी इसके ऊपर, सारी नहीं लिख सकते अपन। नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बताओ। अभी अपन अभी लिख से ले रहे हैं, अभी थिंकिंग कर रहे हैं अभी।
ठीक है, तो पहली कहानी है जो मैंने खुद ने लिखी है, बाकी दो दिमाग में है। पहली कहानी है, दो बच्चे होते हैं, एक का नाम राजू होता है, एक का नाम रवि होता है, दोनों सेम एज के होते हैं। तो मतलब एक आदमी होता है, उसके दो बच्चे होते हैं, तो क्या होता है उसकी वाइफ जो होती है वो गुजर जाती है क्योंकि हेल्थ कंडीशंस की वजह से। तो अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो हाउस की और सब चीजों की, बच्चों की अपब्रिंगिंग की, वो उसके शोल्डर्स पे आ जाती है, उस मैन के शोल्डर्स पे। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कमाना और बच्चों की देखभाल करना, तो वो गलत रास्ते की ओर निकल पड़ता है, हैवीली ड्रिंक करता है, अपने बच्चों को मारता है और घर पे भी लेट आता है। तो फिर क्या होता है, दिस वॉज बिकम अ नॉर्म इन देयर फैमिली। फिर 18 साल बाद क्या होता है, जो एक पहला बच्चा होता है रवि, वो बनता है हाई एजुकेशन करके IIT में इंजीनियर बन जाता है और माइक्रोसॉफ्ट में उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। वेयर एज जो राजू होता है वो ड्रॉप कर देता है स्कूल को, ड्रॉप आउट होता है और स्टार्टेड ईटिंग टबैको गुटखा वुटखा खाने लग जाता है और बैड इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो भी ड्रिंक करने लग जाता है। तो फिर उनसे ये पूछा जाता है कि द टॉपिक इंटरेस्ट इज दैट द ईयर लेटर व्हेन दे आस्क, जब उनसे पूछा जाता है कि लेट देम टू वेयर दे आर टुडे, कि ऐसा क्यों कि तुम दोनों अलग अलग जगह पे क्यों हो, तो दोनों ने आंसर सेम ही दिया, माई फादर वॉज ड्रंक, वॉट डिड यू एक्सपेक्ट मी टू बी, कि मेरे पिता पीते थे तो तुम क्या सोचते हो मैं क्या होता, है ना। तो फिर फ्रॉम द अबव स्टोरी हमें ये पता चलता है कि डिस्पाइट हैविंग सेम फैमिली सेम बैकग्राउंड, उन दोनों की लाइफ स्टाइल डिफरेंट थी, है ना। वो दोनों एक दूसरे के नॉर्थ और साउथ थे, पर डिफरेंस क्या था, वी कैन ऑल्सो से डिस्पाइट लिविंग सेम वर्ल्ड दे हैड डिफरेंट वर्ल्ड इनसाइड देम, उनके अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड था, दे सॉ थिंग, उन्होंने जिस तरीके से चीजों को देखा एक्सपीरियंस किया और दे सॉ थिंग्स एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने सिचुएशन एक्सपीरियंस की, दोनों ने उस सिचुएशन को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीके से परसीव किया। बोथ ब्रदर से सॉ देयर फादर डिफरेंटली, दोनों ने अपने पिता को अलग तरीके से देखा, एक ने उनकी बुरी आदतें ली और एक ने ये सोचा कि इसमें से मैं क्या अच्छा निकाल सकता हूँ। तो ये सभी लोगों इस दुनिया में सभी लोगों पे अप्लाई होता है, क्योंकि हम लोग अलग हैं, हमारे दिमाग अलग हैं, है ना, और चीजें को मतलब चीजों को देखने का नजरिया भी अलग है। पर ऐसा क्यों, क्योंकि परसेप्शन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ इमोशन, हमारे अंदर के इमोशन से बनता है, हमारे आइडिया, हमारे बिलीफ, हम किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं और व्हाट वी आर टॉट एट होम, और जो हमारे सिखाया जाता है घर पे, परसेप्शन उससे बनता है, है ना। अब एक और स्टोरी सुनाती हूँ, ये तो हो गई, एक स्टोरी और सुनाती हूँ। एक मतलब एक विलेज में एक बूढ़ा बाप था, वो मरते वक्त अपने उसके दो बेटे होते हैं, तो वो अपने दोनों बेटों को दो बातें सिखाता है कि बेटा पहली बात है कि जब किसी को पैसे उधार दो तो वापस मत लेना, दूसरी बात उसको ये सिखाता है कि हर शहर में अपना घर बनाना और अपनी संपत्ति को आधा आधा बांट के गुजर जाता है। अब जो पहला बेटा होता है वो क्या करता है, सारे पैसे उड़ा देता है हर शहर में घर बना के, है ना, और दूसरा सबको पैसे बांट देता है और वापस भी नहीं लेता है। और जो दूसरा बेटा होता है वो इस बात को ऐसे समझता है कि पैसे तो देना पर साथ में कुछ गिरवी रखना, जैसे कि वो पैसे देने अपने आप आ जाएगा, तुम मुझसे मत मांगना किसी से। अच्छा, दूसरी बात तो वो ऐसे समझता है कि रिश्तेदार हर जिस भी शहर जाओ अपना रिश्ता बनाओ, जिससे कि तुम्हारे स्टे होने मतलब कहीं पे तुम स्टे रुक सको, तो हर शहर में अपना घर बनाना, मतलब ऐसे रिश्ते बनाना हर शहर जाकर कि आप वहाँ पे घर की जैसे रिलेशन हो आपके, है ना। तो फिर जब वो अपने बड़े भाई के पास जाता है तो मतलब ये परसेप्शन है, मतलब परसेप्शन की स्टोरी है कि मतलब चीजों को देखने का नजरिया अलग था, जो मतलब इससे पता चलता है योर परसेप्शन
ऑफ मी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू. और एक और स्टोरी वो श्रीकांत वाली, जो मैंने श्रीकांत मूवी देखी थी, वो भी मेरे को उस पर एकदम सूट बैठी है ना. अब मैं बताती हूँ, द वे यू परसीव मी, मतलब अब अपन क्वेश्चन पूछते कि तुम मुझे कैसे देखते हो है ना, क्या है वो, डिपेंड ऑन योर इनर इनर सेल्फ, कि तुम अंदर से कैसे हो है ना. प्रॉब्लम इज दैट व्हाट यू ऑफन परसीव बेस्ड ऑन योर ओन पास्ट एक्सपीरियंस, वो तुम्हारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है, तुम्हारी प्रायर नॉलेज पे होता है, इमोशंस पे होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे होता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जर्मनी में कौन था वो, जर्मनी में वो कौन था, हिटलर के खुद के परसेप्शंस थे सुपीरियर, मतलब रेस सुपीरियरिटी का, कि मतलब जूस को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए मतलब. और तो वो उस उन लोगों को इसी तरीके से देखता था, और उसने काफी ऐसे मतलब जूस को मारा भी है उसमें बंद करके, एक जेल होती थी उसमें. अगर हम फॉर इंस्टेंस अभी अगर अपन देखें कि जैसे रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया का ये खुद का परसेप्शन है कि नाटो की पॉलिसीज की वजह से उसको प्रॉब्लम है ना. हैव बीन सीन, हमने देखा भी है ये और एक्सपीरियंस भी किया है कि रशिया को कोल्ड वॉर से टिल डेट आज तक इस चीज से प्रॉब्लम रही है और अभी भी है ना. तो अब अपन अपने परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो तो हो सकता है सेल्फ अवेयरनेस से, पर सेल्फ अवेयरनेस खुद से नहीं आ सकती. सेल्फ अवेयरनेस आती है एजुकेशन से, लर्निंग से. अगर हम खुद को मतलब रोज सुधारें, रोज चेंज करने की कोशिश करें, तो हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और हम हमारे धीरे धीरे अपने परसेप्शंस को चेंज कर सकते हैं कि हम लोगों को कैसे देखते हैं, वो चेंज हो सकता है. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अवेयरनेस इज सिंपल एक्ट of acknowledging reality as it is. कि अगर हम जो reality है उसको वैसे की वैसे accept कर लेना, तो वो भी एक awareness है. और वो आएगी कैसे, वही तो problem है. कि problem ये है कि हम problem lie यहाँ होती है कि we believe what we perceive, जो हम सोच रहे हैं वही सच है. हम उस चीज को चेंज ही नहीं करना चाहते कि नहीं, जो हमारे दिमाग में सोचा, जो हमने परसीव किया वही सत्य है. Keep building on it, और हम वो build करते रहते हैं. जैसे धृतराष्ट्र ने अपने बेटे पे मतलब बहुत ज्यादा कि नहीं, मेरा बेटा तो अच्छा है, मेरा बेटा तो अच्छा है, मेरा बेटा तो अच्छा है, और तो लास्ट में वो महाभारत का युद्ध हो जाता है. सर इतना ही आता है मेरे. एक बात बताओ, हाँ, तुमने ओनली परसेप्शन सोच के ही सारा ऐसे लिख दिया, परंतु वो है ही नहीं ये. तो और क्या, आप पढ़ो ना पूरा. योर परसेप्शन of me is the reflection of you, my reaction to you. अच्छा वो last next line नहीं लिखी, the my awareness. हाँ तो ये my reaction to you. ये कौन लिखेगा, वो आप आधे ही part को लेके पूरा ऐसे लिख रहे हो, ये गड़बड़ी है पूरा. वो आप अच्छा मुझे एक पैरा perception का डालना चाहिए था, दूसरा मुझे awareness का डालना चाहिए था. यही तो बात थी यार, ये दोनों को combine करके बनेगा. अच्छा, अभी मैं बताता हूँ. देखो मैंने इसके लिखा है कहाँ है, पर आपको बता मेरी स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि स्टोरी वो आप पार्ट के लिए ही सही है. अच्छा ठीक है. सपना बताओ. यही तो गलतियाँ करते हो तुम लोग. सपना हाँ. अरे दो मिनट रुक जाओ ना, मैंने दिल से कहा थी तुम. चलो ठीक है नूरी, नूरी अब अपने तुम्हारे आत्मज्ञान में कुछ आया, नूरी बताओ. अच्छा रुको, अरे देखो तस्वीर तो मैं सुन ही रही थी. अरे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं बोल नहीं लगती हूँ तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है. रुको मैं सबसे लास्ट में बता दूंगी, पक्का बता दूंगी. अरे तुम्हारा ही लास्ट है, अभी नूरी तो कुछ बता दे रही है, नूरी पढ़ के नहीं आई है. अच्छा हाँ तो बताओ, तो अब आपका ही लास्ट टाइम है. देखो आदमी की खोज, मतलब पहले तो वो जो हनुमान जी वाली कहानी थी वो है. अरे वो नहीं, अरे सेकंड टॉपिक बताओ, वो तो छोड़ो, हो गया वो.
बताओ इसके बारे में। सेकंड मेरा पढ़ लिया होगा इसमें से। चलो ठीक है छोड़ो, मैं अपने ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ, तुम लोग पढ़ के तो आते हो नहीं। अरे अब ये बता दो आज पक्का कि कल क्या पूछोगे, फिर मैं पूरा याद करके आऊंगी। क्या हो गया? सेक्शन बी ऑफ 2021। ठीक है ना, देखा आप कल एक ही पूछ रहे थे ना, तो मुझे लगा एक ही पूछोगे। अब ध्यान से देखना, देखो मैंने कैसे ऐसे ये ऐसे ना मैंने स्टोरी से शुरू किया है, और अब देखना दोनों थीम जो ना क्लियर होगी, ध्यान से देखना। देखो आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, मतलब जो कोई मेरे बारे में सोच रहा है, ध्यान समझो, कोई मेरे बारे में सोच रहा है तो वो उसकी सोच दर्शाएगी वो मेरे बारे में क्या सोचता है, परंतु वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरी क्या रिएक्शन होगा जो मेरा संस्कार होगा। ठीक है, ध्यान से समझो इसको मैंने कैसे बताया। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में लोक एवं दंत कथाओं का बहुत महत्व है, इसके द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती है ताकि मनुष्य अपने जीवन में पाल ए सपना बंद करो किसका ऑन है ठीक है इसके द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती है ताकि मनुष्य अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को सुंदर एवं संपूर्ण बना सके। ऐसे ही एक कहानी अंगुलीमाल की, याद करो मैंने जो बताया था वही कहानी मैंने डाला इसमें, ध्यान से देखना। अंगुलीमाल की है जो लोगों की हत्या करके उनकी अंगुलियाँ काट कर उनकी माला पहनता था। एक दिन वो जंगल में भटकते हुए महात्मा बुद्ध को देखता है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। तब महात्मा बुद्ध उसको उपदेश देता है जिससे उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है और वह अंगुलीमाल की एक साधु पुरुष बन जाता है। अब देखो मैं ये मैंने स्टोरी बता दिया, अब मैं बताऊंगा कैसे वो क्या सोच रहा था महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध ने क्या किया वो देखना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य के विचार कैसे भी हो परंतु हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है वो हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंगुलीमाल बुद्ध को मानने आया था, देखो उसके विचार था बुद्ध को मानने आया था, परंतु बुद्ध ने निडर होकर उसको वो शिक्षा दी जो बुद्ध के संस्कारों में समाहित थी, पर बुद्ध ने हिंसा नहीं की, बुद्ध ने जो उसके पास जो ज्ञान था उसको वो दिया, वो बुद्ध के जो संस्कार वो उसी को वही दिया शिक्षा दी जो बुद्ध के संस्कारों में समाहित थी, कि हमें प्रत्येक जो होता है प्राणी होता है प्रत्येक जीव को प्रेम करना चाहिए, मतलब जीव को प्रेम करना चाहिए और हिंसा का दमन करना चाहिए और अहिंसा का प्रसार करना चाहिए, यह स्वयं महात्मा बुद्ध ने सिद्ध किया। तो अब यहाँ हम देखो दोनों टॉपिक क्लियर हो गया कि जो अंगुलीमाल था उसका क्या था, बुद्ध को मारने आया था ठीक है, उसको देह लग रहा था कि साधु मुझे से अब मार के कंप्लीट करना, परंतु बुद्ध ने क्या किया अपने संस्कार दिखाए, उसे रिएक्शन में उसने हिंसा नहीं की उसने। अब देखो आगे भी मैं बताता हूँ, ऐसा ही हम ईसा मसीह के जीवन में भी देख सकते हैं कि जब लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया तब भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, ये लोग अज्ञानी हैं ईश्वर इनको क्षमा करें। सोचो अब यही है, अगर चाहते तो वो भी हिंसा करते तो फिर उनको मतलब नहीं ना, उन्होंने अपने संस्कार दिखाए। सोचो उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है तब भी वो वैसा रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने जो उनके संस्कार थे वही किया, उन्होंने फिर भी मतलब जो भी भगवान थे उनसे प्रेयर किया कि ये लोग अज्ञानी हैं इनको माफ़ करना, जो ये दर्शाता है कि ईसा मसीह ने प्रतिक्रिया के रूप में अपने संस्कारों को प्रकट किया जो कि शांति के थे। अब ऐसा ही मैं एग्जांपल कबीर साहब देखते हैं, कबीर के जीवन काल में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब लोग उनके ज्ञान के कारण धार्मिक आडंबरों पर प्रहार हो रहा था तो लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया, उन्होंने सामाजिक दुर्व्यवहार सहना पड़ा, परंतु कबीर ने प्रतिक्रिया के रूप में सिर्फ लोगों को प्रेम दिया जो कि कबीर के संस्कार दिखाते हैं। अभी देखो ये पूरा एकदम क्लियर हो गया थीम, अब आगे देखते हैं अपन, फिर अब जाएंगे मॉडर्न काल में, इसमें देखो ये एंशियंट मीडियल के एग्जांपल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भी हम महात्मा गांधी के जीवन में देखते हैं कि अंग्रेज कैसे फूट डालो राज करो के कुषड्यंत्र या हिंसा सामाजिक उत्पीड़न के द्वारा लोगों का शोषण कर रहे थे, परंतु गांधी ने फिर भी सत्य और अहिंसा के प्रयोग पर बल दिया और भारत को शांतिपूर्वक तरीके से आज़ादी दिलाई जो कि गांधी जी के संस्कारों को दिखाते हैं। अभी मैं हर पैराग्राफ में जो ऐसी जो थीम है वो मैं लिख रहा हूँ ठीक है भाई, गांधी के संस्कार ये थे, अंग्रेज लाठी हिंसा का यूज कर रहे थे, गांधी ने फिर भी सत्य और अहिंसा का ही प्रयोग किया। हमारे देश की संस्कृति हमेशा सह अस्तित्व की भावना, वसुदेव कुटुंबकम, शांति और अहिंसा के संदेशों का प्रसार करती है, जैसे कि हम रोज देखते हैं कि
लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है, चाहे वो भारत पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, परंतु भारत कभी भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। तो ये भारत के संस्कार है। अब मैंने व्यक्ति से लेके कहाँ पे लेके गया, भारत के लेवल पे लेके गया। भारत हमेशा विश्व कल्याण की बात करता है, इसीलिए भारत ने COVID-19 के दौरान पूरे विश्व को वैक्सीन मैत्री के द्वारा लोगों के जीवन को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये भारतीय संस्कार है। तो जब कोरोना काल में सब अपने अपना देख रहे थे, पर भारत फिर भी पूरे विश्व में दवाइयों का प्रसार कर रहा था। ठीक है, भारत विविधताओं से भरा देश है जिसमें बहुत सारी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारत सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आगे बढ़ रहा है, तथा मूल अधिकारों एवं अन्य संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा भारत अपनी विविधता को संरक्षण किए हुए हैं, क्योंकि हम विविधता में एकता के तत्व को खोजते हैं तथा सामाजिक संस्कृति जो कंपोजिट कल्चर है पर भरोसा करते हैं। यही हमारे संस्कार है कि हमने अन्य देशों से प्रतिताड़ित शरणार्थियों को शरण दिया, जिसमें आप देख सकते हो कि जितने भी भारत में आए हुए हैं, जैसे दलाई लामा थे उनको दिया अपन ने। ठीक है, भारतीय हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, इसलिए भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का प्रयोग किया है। वहीं हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में चिपको आंदोलन जैसे प्रकृति के लिए प्रेम को दर्शाते हैं, यही कारण है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जबकि पश्चिमी देश इनको संसाधन मानकर सिर्फ इनका आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं। अब देखो ये हो गया वैश्विक लेवल पे कि भाई जो पश्चिमी देश हो गया, जितने डेवलप्ड कंट्री, वो क्या करते हैं, संसाधन मान के इनका यूज करते हैं, आज उसी के कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है, पर भारत इनको प्रकृति पूजा करता है। ठीक है, इन्हीं कारणों के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का प्रसार हो रहा है, अतः इससे बचने के लिए भारतीय संस्कृति में प्रकृति के सह अस्तित्व की अवधारणा को अपनाना होगा, तभी हम मनुष्य के साथ प्रकृति का भी विकास सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि यह भारतीय परंपरा में संस्कार के रूप में सिखाया जाता है। जो अपन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, जैसे टोटमवाद हो गया, ठीक है, जैसे पीपल की पेड़ की पूजा करना, ये सब कहाँ से, आंवले की पूजा करना, जैसे अब कार्तिक मास आज से शुरू हो गया है, इसमें स्त्रियाँ जो आंवले की पूजा करेगी, खेजड़ी की पूजा करेगी, तो ये कौन सिखाएगा, तो ये अपने भारतीय संस्कार है ना। वो लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में उससे मतलब नहीं है, पर भारत क्या उसका रिएक्शन करता है वो इम्पोर्टेंट है। COVID-19 के दौरान भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जिसका पालन लोगों ने बहुत समझदारी एवं विवेक से किया, तो वह हम अन्य देशों में देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने लॉकडाउन लगाने पर सरकार का विरोध किया। ऐसा था यहाँ पे साउथ अमेरिका में, देखो वहाँ पे विरोध हो गया था, ठीक है, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री में विरोध हो गया था, विरोध किया था। वहीं भारतीय लोगों ने वैक्सीन में मास्क लगाकर सामाजिक दायित्व को निभाया, क्योंकि यह भारतीय परंपरा में सहिष्णुता के तत्वों को सिखाता, टॉलरेंस को सिखाया गया है, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। अब हम इसके दूसरे पक्ष को भी देखने का, देखो मैंने बोला सेकंड डायमेंशन होना बहुत जरूरी है, अब हम इसके दूसरे पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे समाज द्वारा महिलाओं एवं दलितों का बहुत शोषण किया गया है, इसका प्रमुख कारण रूढ़िवादी सामाजिक परंपराएं रही है, जिसके कारण महिलाओं द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में महिला आंदोलन किया गया और समाज के संस्कारों को बदलने का प्रयास किया गया ताकि महिला सशक्तिकरण हो। ऐसा ही हम दलितों के लिए गांधी एवं अम्बेडकर के प्रयासों में भी देख सकते हैं, जिन्होंने जातिवाद की समाप्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, क्योंकि ये उनके संस्कार थे। हम ऐसा ही एक अन्य उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के कारण जो श्वेत लोगों के द्वारा असहितों के साथ बहुत सारा अन्याय किया गया, परंतु जब नेल्सन मंडेला के द्वारा इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई तो उनको 28 साल तक जेल में डाल दिया गया, परंतु अंततः श्वेतों को उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा। परंतु असहितों के प्रथम राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला ने श्वेतों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। देख लो ये बात, ये पूरा ऐसे पूरा कोरिलेट हो रहा है कि भाई जो देखो मान लो कि जो ब्लैक लोगों के बारे में जो लोग सोचते थे, जो वाइट लोग सोचते थे, उनका शोषण किया जो भी था, परंतु उनका रिएक्शन क्या आया जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उनके खिलाफ वो नहीं किया कि उनको भी मारो कूटो, ऐसे नहीं किया उन्होंने, श्वेतों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जो कि प्रतिक्रिया के स्वरूप में उनके अहिंसा एवं क्षमा करने के संस्कार को दिखाता है। अब आगे देखो, भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम सबको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, मैं बता रहा था कि वोटिंग का राइट दिया गया था, ठीक है, वैश्विक मताधिकार प्रदान किया गया, जबकि अन्य विकसित देशों में महिलाओं को बहुत ही देरी से वोट देने का अधिकार दिया गया था। मैंने बताया था कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत सौ सौ सालों बाद में दिए गए वहाँ पे। वही अमेरिका नागरिक अधिकार भी रोजा पार्क्स व जूनियर मार्टिन लूथर किंग के प्रयासों से दिए गए थे, तो वहीं भारत में आज़ादी के तुरंत बाद दे दिया गया, जो कि नागरिकों के अधिकारों के प्रति भारतीय संविधान की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र भारतीय परंपरा एवं संस्कारों में समाहित था, इसलिए आज़ादी के बाद भारत ने लोगों के अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है,
भारत में सबको न्याय दिलाने की परंपरा रही है। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कसाब के, अब देखो जो कसाब था मुंबई पर अटैक किया था, तो उसको भी अपन वकील प्रोवाइड किए सब कुछ के, कसाब के इंसाफ के लिए भारत ने वकील प्रदान किया। जबकि हम जानते हैं कि कसाब ने मुंबई पे हमला किया था, तब भी हमने प्रतिक्रिया के स्वरूप उसको न्याय मिले, इसके लिए हमने प्रयास किया क्योंकि हम न्यायप्रिय संस्कारों में विश्वास करते हैं। परंतु हैदराबाद में जो हुआ हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। याद करो उसी टाइम की घटना थी, हैदराबाद में एक लड़की थी जो स्कूटी पे थी, उसका रेप कर दिया था, फिर पुलिस वालों ने उसको मार दिया था। तो मैंने यहीं पे काउंटर भी कर दिया कि भाई चलो ठीक है, कसाब को आप न्याय दिला रहे हो, परंतु उन लोगों को न्याय के लिए मतलब कटघरे में लाया नहीं दिया गया, उससे पहले ही मार दिया गया। ठीक है, अब देखो ये इतना सा लिख के वो समझ जाएगा एग्जामिनर के माइंड में चला जाएगा। कोविड-19 के दौरान डॉक्टर और पुलिस की परोपकारी छवि देखने को सामने आई। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों के प्राणों की रक्षा की। इसके कारण लोगों में इनकी छवि में बदलाव आया। नहीं तो पहले डॉक्टरों और पुलिस वालों को लुटेरे की तरह देखा जाता था, परंतु जैसे ही इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा संस्कारों को दिखाया तो लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में रूढ़िवादी तत्व हावी थे। इसके कारण भारतीय समाज में महिला शिक्षा एवं वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा के खिलाफ समक्ष चुनौती थी, परंतु फिर भी भारत ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पश्चिम के आधुनिक मूल्य न्याय समानता लोकतंत्र जैसे तत्वों को अपनाया। इसके साथ वैश्वीकरण के बाद तो भारत की सामाजिक प्रक्रिया में बहुत परिवर्तन हुआ। इसलिए यह पता चलता है कि भारतीय परंपरा में बदलाव ही जीवन है। जैसे संस्कारों के समावेश होने के कारण हमने इन नई नई तकनीकों को अपनाया और समाज को आधुनिकरण किया है। मतलब भारतीय देखो चाहता तो भारतीय रिएक्ट करते ना कि वेस्टर्न वैल्यूज को नहीं अपनाना चाहिए है उसको, प्रतिक्रिया अपन भारत ने प्रतिक्रिया क्या की, जो अच्छे अच्छे वैल्यू है उनको अपनाया। हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया हमेशा हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। जैसे कि हम अगर बच्चों में स्त्रियों एवं वृद्धों का सम्मान करना सिखाएंगे तो हमेशा ऐसा करेंगे, वहीं अगर हम उनको महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं बनाएंगे तो महिलाओं के प्रति दुराचार यौन शोषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी। अतः यह सीखने को मिला है हमें यह सीखने को मिला है कि सामने वाला व्यक्ति समाज देश हमारे बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच दर्शाता है, परंतु जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे संस्कार दिखाते हैं। अतः आज के आधुनिक युग में अशांति का माहौल है, नए नए हथियारों का विकास हो रहा है। अगर पूरा विश्व इसी होड़ में लग जाएगा तो पूरे विश्व में अशांति का प्रसार होगा। अतः इसके लिए आवश्यक है गांधी के मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि गांधी ने कहा था हिंसा का बदला अगर हिंसा से लिया गया तो ये पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। यही हम महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्गी पथ का भी अनुसरण कर सकते हैं, जो कि भारत हमेशा अपनी वैश्विक नीति में पालन करता है। जैसा कि चीन के द्वारा भारतीय क्षेत्र में कब्जा करने का प्रयास किया तो भारत उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब दिया, जो कि उनकी विस्तारवादी नीति के लिए जरूरी था क्योंकि हमारे संस्कार दिखाते हैं। भारत ने कोई लड़ाई नहीं की, या भारत किसी कंट्री का ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में जो सोचता है वो उसकी सोच है, परंतु हमें उसका आत्ममूल्यांकन भी करना चाहिए ताकि उससे हम अपने में सुधार करें। जैसा कि भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक भविष्य में गरीबी सूचकांक में बहुत ख़राब हालत है पश्चिमी दुनिया के पैमानों के आधार पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यह बात स्वीकार न करें और उसे इनकी सोच मानकर झुठला दें। समझ में आया, मतलब कुछ चीज़ों में एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि जैसे भाई भ्रष्टाचार इंडेक्स है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, मना कर दिया था कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में खराब रैंक आ रही थी भारत, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये सही नहीं इनका पैमाना, तो ये तो गलत बात है ना, अब वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हम ये बात स्वीकार न करें और उसे इनकी सोच मानकर झुठला दें, बल्कि हमें इसका अपना स्वयं मूल्यांकन करके आकलन करना चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप गरीबी एवं भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, जिसे लोगों का सशक्तिकरण होगा, तभी लोग खुशी से गाएंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हर मैं ऐसे में लिख सकता, परंतु वो डिपेंड करता कि आप कैसे लिखोगे। तो देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि मतलब जितना कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जितना नज़दीक रखोगे ना उतना ज़्यादा फायदा होगा भैया। सर आपने जितना भी बोला था ना 90% सबको पता होगा, बट मॉडल करना नहीं आता। तो वही तो बात है, यही तो आर्ट है, यही तो ऐसे है कि आर्ट होती है। यही बात मैंने बोली थी आर्ट यही तो है ऐसे की। चलो ठीक है शिवानी, बताइए थर्ड टॉपिक के बारे में। तो थर्ड टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ वनलेसनेस। शिवानी समझ में आया, देखो कैसे अपने को
मतलब देखो एग्जाम्पल जब वही होगा पर हम उसको मोल्ड किस तरीके से करना था कि अपना टॉपिक से वो क्लियर हो जाए वो बहुत जरूरी है। ठीक है थर्ड बताओ। The philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is a chimera. या चिमेरा पता नहीं क्या हो रहा है। तो philosophy of wantlessness और ये materialism है, ये दोनों ही contrasting है, है ना? मतलब दोनों का वो नहीं हो सकता मेरे। मतलब wantlessness का meaning अलग होता है, materialism का अलग होता है, तो दोनों ही contrasting है। Wantlessness का मतलब है living a simple life विदाउट किसी डिजायर किसी अटैचमेंट के, है ना? और अगर मटेरियलिज्म का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है एक्वायरिंग मटेरियल गुड्स एज अ मेजर ऑफ सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए हम मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों को खरीदते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन क्योंकि ये हमारे को बोलता है मतलब ये एनविजन करता है कि सिंपल लाइफ जियो और फुलफिल्ड लाइफ जियो बिना किसी मटेरियलिस्टिक डिजायर के और प्रमोट करता है कि ट्रू हैप्पीनेस इसी चीज में है कि जब तुम्हें तुम्हारे अंदर इनर पीस हो, अंदर मन के अंदर की शांति हो सीम्स। और ये मतलब ये जो आइडिया है यूटोपियन है क्योंकि ये अनरियलिस्टिक सीम्स अनरियलिस्टिक बट एम्ब्रेस पर हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस ने इसको एम्ब्रेस भी किया है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मैं देखूँ सेंट नरसी मेहता थे जो 11th-12th century में आए थे, वो अ रिच मर्चेंट, वो रिच मर्चेंट थे, उन्होंने अपनी सारी बिलोंगिंग्स डोनेट कर दी थी और वो सिंपल लाइफ की तरफ निकल पड़े थे अपने अंदर इनर पीस को फाइंड आउट करने के लिए, खुद खुश रहने के लिए, और सिंपल लाइफ जी थी विदाउट एनी अटैचमेंट टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो काफी जो हम जितने भी रिलीजन है जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म ये एम्फेसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनर पीस और एक्नॉलेज करते हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, है ना? और ऑन द अदर हैंड अगर हम मटेरियलिज्म एज अ चिमेरा के सब मेरे को ये बोलना ही है चिमेरा होगा या किमेरा होगा, है ना? एज द परस्यूट ऑफ मटेरियल पोसेशन, बस मटेरियल की खुद की खुशी के लिए हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लिए चीजों को खरीदना ऑफन लेड टू द कभी कभी क्या होता है हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि एक इकोनॉमी में जो हमने पढ़ा है कि यूटिलिटी ऑफ वॉन्ट कि हमारे को कितना चाहिए, जब हमारी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना फिर भी हमारे पास पैसा आ जाता है और कितना खरीद सकता है एक इंसान, है ना? फिर क्या होता है रिसर्च ने भी ये बोला है कि बेसिक नीड्स जब मिल जाती है अपन को उसके बाद जो अपने पास मटेरियल पोसेशन है ना वो भी हमें अंदर की खुशी नहीं दे पाता है, है ना? इससे कोई इंक्रीज नहीं होती है हमारी हैप्पीनेस एंड ऑफन लीड टू द सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अनसस्टेनेबल बनाता है वर्ल्ड को। और अब हम अगर इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें आइडिया ऑफ वॉन्टलेसनेस स्टैंड्स यूटोपियन क्योंकि बिजनेस तो टिका ही इस चीज पे हुआ है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही उसका गोल है। तो यहाँ पे ये आइडिया फिट नहीं बैठता है विच हैपेंड व्हेन वांट इज क्योंकि अगर वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो आपको वांट जनरेट करनी पड़ेगी, लोगों को डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, उस चीज की डिमांड होनी चाहिए तभी वांट बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। पर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए अलीबाबा ने लॉन्च किया था उनके प्लेटफॉर्म पे कि रिक्वेस्ट की थी उनके कस्टमर्स को कि आप डोनेट करो जो भी चीज आपके मतलब आइटम रीसेल कर सकते हो और डोनेट कर सकते हो जो तुम्हारे काम के नहीं है, है ना? और फिर अब अगर हम इसी चीज को इंडियन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो वॉन्टलेसनेस की फिलॉसफी है ये यूटोपियन है क्योंकि मतलब हम मतलब इतना ज्यादा लर्न करना चाहते हैं और प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जो वेल पेइंग जॉब में हो और कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी को। और इसी चीज को अगर हम स्पोर्ट्स के व्यू में भी देखें तो स्पोर्ट्स में भी हमारा मतलब वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि नहीं हमें चैंपियनशिप जीतनी है, तो इसमें भी यूटोपिया नहीं है चीज की, इसमें वॉन्टलेसनेस हो नहीं सकती है क्योंकि हमें मतलब जीतना होता है, इसमें भी डिजायर होता है।
है ना, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो साइकोलॉजिकली अगर अपन देखते हैं तो ह्यूमन ह्यूमन एक ऐसा इंसान होता है जिसमें बहुत सारी डिजायर्स होती हैं और कुछ पाने की इच्छा होती है, तो इसमें भी ये आइडिया यूटोपियन होता है। और अगर अब अपन मटीरियलिज्म एज अ चिमेरा देखें तो अ पर्सन मे एक्युमुलेट वेल्थ, हो सकता है कि वो वेल्थ एक्युमुलेट कर ले, मटीरियलिज्म एक्युमुलेट कर ले, उसके बाद सब कुछ आ जाए, है ना, पर जो इसकी यूटिलिटी होती है ना इस चीज की, वो धीरे 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 फेड अवे हो जाती है ओवर द टाइम। एज दे नेवर अचीव द हैप्पीनेस दे वर्क डेवलपिंग देयर इनर क्वालिटी। इनको क्या करना चाहिए, इससे बढ़िया अपने खुद की हैप्पीनेस कब अचीव होगी, जब वो खुद के अंदर की इनर क्वालिटी को डेवलप करेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे रतन टाटा चेयरमैन है टाटा सन्स एंड इंडस्ट्रीज के, अ पर्सन हु एक्युमुलेटेड इमेंस वेल्थ, उन्होंने भी मटेरियलिस्टिक चीजें खूब मतलब थी उनके पास, एंड फाइंड्स इनर हैप्पीनेस, उन्हें इनर हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन तब आई जब मतलब जब उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया। तो टाटा ग्रुप 60% वो करता है डोनेट वगैरह, वो लिख दिया था फिर मैंने, फिर इसको मतलब इसको सोशल और मटेरियलिज्म को एज अ सोशल इंजस्टिस भी देख सकते हैं, और सोशल वेलफेयर और टेक्नोलॉजी में भी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वॉन्ट्स डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, ये वाला लिखा था बस उसमें मैंने। फिर मैंने इसमें ये लिखा था कि इसमें एक मिडिल मतलब मिडिल पाथ ऐसे हो सकता है अपन अगर चाहें कि, क्योंकि बिकॉज पूरी वॉन्टलेसनेस भी नहीं हो सकती और पूरा मटेरियलिज्म भी मतलब संसार को खराब कर देगा, क्योंकि इसका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा, इकोलॉजिकल बेनिफिट भी नहीं है, इम्बेलेंस हो जाएगी चीज़ें, इसलिए हमारे को दोनों का मिडिल पाथ देखना पड़ेगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, ऐसे नहीं कि आईफोन कौन सा आ रहा है भाई पता नहीं 13, 14, 12 आ गया, 13 लॉन्च हो गया तो 12 को फेंक दिया मतलब तुम्हारा फोन का काम चल रहा है तो तुम चलाओ ना और इंटेंशनल हमें इंटेंशन भी देखना पड़ेगा कि हमें एक चीज परचेज करनी है तो क्यों परचेज करनी है, मतलब इसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए वो चीज, ऐसे नहीं कुछ भी घर पे उठा के ले आए, हाँ बॉडी में खड़ी है तो हमने जैगुआर पे पूछ ली ऐसे, अच्छा आने वाला एक इंसान है ना, और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ग्रैटिट्यूड। और फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन बिकॉज दिल मांगे मोर, थैंक यू। सपना कुछ बताओगे? सपना नोरी वैसे सर कैसा लगा आपको? देखो आपने ठीक है, वो मीनिंग्स आपका जो है कि भाई कंक्लूजन यही होना चाहिए कि दोनों ये दोनों पोल है और ये दोनों कभी अचीव नहीं हो सकते, आपको मीडियम पाथ अपनाना चाहिए, तो यहाँ पे बुद्धा का आप एग्जांपल डाल सकते थे, जो बुद्धा का मिडिल पाथ का एग्जांपल होता है वो आपको डाला जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात फिलोसोफिकल है तो आपको देखो आपने जो बताया कि भाई व्यक्ति खुश नहीं रह सकते, बात सही भी है, आप ये सोच लो कि अपन यहाँ पे थोड़े बहुत और एग्जांपल आपको डालने चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम साधु बन गए हैं हमें कुछ भी इच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है, ये अब उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे वो, ठीक है वो आप ऐसा हो नहीं सकते, साधु बनने की भी एक इच्छा है ना, वो भी इच्छा होगी ना, तो वो तो हो नहीं सकता। सब जैनिज्म नहीं, सब जैनिज्म का डाल सकते हैं इसमें कि हाँ। वो निर्वाण, उनकी डिजायर है निर्वाण पाने की, तभी तो उन्होंने वो पाथ चूज किया है। हाँ वो कौन सी संतारा प्रता जो करते हैं, हाँ दीक्षा लेते हैं, दीक्षा संतारा प्रता में अपने आप को खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी गलत है कि हम इच्छा रहित हो गए हैं तो वो भी गलत है। वही है कि एक व्यक्ति है जो सब कुछ पाना चाहता है, इसमें आप है ना एक स्टोरी लिख सकते हो, चीटे वाली स्टोरी है, चीटा गुड़ खाने जाता है तो वो सोचता है कि मैं सब कुछ खा लूँ पर वो आखिर में उसी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, इस पर आप स्टोरी डालोगे तो ज़्यादा होगा, तो जो व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है उसके कारण वो परेशान ही रहता है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि मैं मीडियम पाथ अपनाऊँ, ठीक है। बस ऐसे बिजनेसमैन की स्टोरी डाल सकते हैं, जैसे मैंने रतन टाटा की, कहीं एग्जामिनर गुस्सा हो जाए ये क्या डाल दिया, नहीं एक रतन टाटा क्यों नहीं, एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। चलो सपना कुछ बोलोगी? सपना नूरी नहीं मैं कल बताऊंगी तुम कल भी यही बोल के गई थी, आज भी कल बोल रही हो, कल कभी नहीं होता है। अरे मुझे लगा था कि एक एक सुनेंगे सबसे, तो मैंने एक ही तैयार किया। अच्छा ऐसा नहीं होता, चारों टॉपिक पे काम करने करके आना होता है, ठीक है। नूरी नूरी तो कुछ बोलोगी? नूरी
मैं भी अच्छा बहाना हो गया ये ए, बता रही हूँ हाँ ये असर है इधर ऐसा ना बताओ क्या नहीं मैं सच में कल बताऊंगी आपको मैं पक्का कसम से हम भी गली बताएंगे बहुमत हो गया क्या बहुमत मेरा भाना नहीं है मुझे सच में नहीं पता तो भाई सपना तुम्हें इतने पढ़ते हो इतने साल हो गए इसमें क्या है ऐसा इच्छा रही फिर अभी मैं कुछ बोलूँ तो हाँ ऐसा रहता हमें भी आता है नहीं सर अरे नहीं मुझे तो पता है बस देखिए जैसे मोल्ड करना होता है ना इसको समझाना मुश्किल नहीं होता वो बता रहे बताओ क्यों राज बताएगा इसमें क्या गीता का ज्ञान दे इच्छा रही होने का दर्शन सर है ना सर आपने जैसे आज किया ना कि आपका खुद का ऐसे भी लिया तो ना आप लिया करो रोज जिससे ना मतलब मेरे को भी थोड़े आइडिया आएंगे तो ये करेंगे अच्छा है आज का वाला टॉपिक उस पे भी मैंने लिखा है इसका भी अभी पढ़ेंगे नहीं सर आप है ना पहले से पीडीएफ बना के रखो और ईयर वाइज जिससे आप मतलब रोज ऐसे कर सको ठीक है जितना हो सकता पॉसिबल साइड में लिखे हैं मैंने बहुत ऐसे लिखे भाई 50 ऐसे लिखे तुम तो टॉपिक पे है ठीक है कोई नहीं चलो ठीक है बताओ युवराज क्या है इच्छा रहित होने का दर्शन क्या हुआ इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है कोई कोट भी लिख सकते हो स्टोरी भी लिख स्टोरी इसमें अच्छी है बहुत सारी अगर आप बचपन वाली स्टोरी याद करोगे तो बहुत सी स्टोरी है इसके बारे में अच्छा खासी है मुझे याद है शायद पहली या दूसरी क्लास में एक स्टोरी थी वो दो दोस्त होते हैं वो किसी सेठ के पास वहाँ जाते हैं तो वो ऐसे बहुत गरीब होते हैं फिर वो बोलते हैं जाओ वो भंडार में से जो चाहते हो वो ले जाओ तो फिर एक व्यक्ति तो अपनी आवश्यकताओं के जितने होता उतना ले जाता है एक दोस्त पर एक वो सब कुछ लेके जाना चाहता था तो इसके कारण वो कुछ भी नहीं ले जा पाता ऐसे स्टोरियाँ बहुत है और वही है कि आप लोग पता नहीं स्टोरियाँ पढ़ते हो क्या पढ़ते हो हाँ बताओ अच्छा सर इसमें ये वाली स्टोरी आ सकती है कुत्ते वाली कौन सी वाली बताओ अरे जो एक कुत्ता होता है वो उसके मुंह में टुकड़ा होता है रोटी का वो नदी किनारे से जा रहा होता है फिर उसकी परछाई नदी में गिरती है तो फिर वो सोचता है कि इस कुत्ते का भी टुकड़ा मेरे पास आ जाए तो मेरे पास दूध हो जाएंगे फिर वो नदी में घुस जाता है उसको दोनों ही छूट देते हैं हाँ ठीक है आ सकता है उसमें आने के आने तो कोई वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है चलो ठीक है आपको बताओ बहुत सारी स्टोरी है तो लोग काम तो करके आते नहीं है तो ऐसे कैसे दिमाग चलेगा दिन भर का पूरा टाइम होता तुम लोगों के पास उसके बावजूद ये हाल है हाँ तो दस वैसे तो ये इच्छा रहित होने का ये पॉसिबल नहीं है सेंस में क्योंकि चाहे कोई भी कोई भगवान का भक्ति हो चाहे वो इस संसार से रिलेटेड कोई भी इच्छा नहीं रखता हो बट फिर भी उसकी आध्यात्मिक इच्छाएँ तो होती है चाहे आध्यात्मिक इच्छा है कि भाई भगवान को मुझे दर्शन करना है या फिर जो प्रत्येक जीव में भगवान का वास है तो मुझे प्रत्येक जीव को भगवान मान के मुझे इसकी सेवा करना है चाहे फिर मेरे माता पिता हो गए चाहे गुरुजन हो गया क्योंकि जो भक्त होगा भगवान का वो भी जो जिससे वो गुरु होता है वो गुरु को भी क्या मान करता है कि भगवान मान मतलब उसमें भी भगवान का रूप मान के वो क्या करता है उसकी पूजा करता है और वो प्रत्येक जीव को भगवान का रूप मान के उसकी पूजा करता है चाहे उसकी मतलब मेटेरियल जो भी डिजायर ना हो उसकी लेकिन उसकी क्या है आध्यात्मिक इच्छा तो है कि भाई मुझे प्रत्येक को भगवान का रूप मान के मुझे उसकी सेवा करना है और प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना है और मुझे उन्हें भगवान के धाम में लेके जाना है तो ये कार्य मतलब एक भौतिकतावादी इच्छा तो नहीं है लेकिन एक आध्यात्मिक इच्छा मान सकते हैं इसको लेकिन इच्छा तो है लेकिन कुछ लोग ऐसे और जैसे और लेकिन इसमें ये भी है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो मतलब ओनली दिखावा करते हैं कि भाई उनकी कोई डिजायर नहीं है तो फिर वो क्या इसका नेगेटिव प्रभाव होता है मतलब जो आलसी लोग होते हैं जैसे मेरा एग्जांपल ले लो जैसे अगर जैसे हमारे कुक नहीं आती तो मैं सोचता मुझे आज भूख ही नहीं लग रही आज मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही लेकिन ऐसा नहीं है कि खाने की इच्छा तो है लेकिन मुझे पता है कि मुझे जोर आएगा तो इसलिए फिर मैं उस अकॉर्डिंग करता हूँ कि नहीं मुझे कोई भूख नहीं है आज खाना वाना कुछ नहीं बनना चाहिए आज फास्ट होना चाहिए तो ये भी
हाँ लेकिन ये भी एक इच्छा है क्योंकि मुझे काम, क्योंकि ये एक मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे कोई इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन वैसा नहीं है कि मुझे खाने की इच्छा है तो वैसे ही। और फिर भौतिकता ये तो एक, तो इसमें मैं ये समझा सकता हूँ कि भाई ऐसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, चाहे भक्त आध्यात्मिक रिलेटेड हो चाहे बहुत चाहे बस उनमें डिफरेंस हो सकता है कि एक कार्य हो गया कि जो आध्यात्मिक लेवल पर हो सकता है, एक भौतिकतावादी लेवल पर, लेकिन उसमें इच्छा ही तो है, तो इच्छा ही है। और फिर इसका मिसयूज भी हो सकता है कि भाई कुछ लोग ये कुछ भी हो गया, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ जैसे अपने साधु संत हो गए जो आजकल जो आशाराम, उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वो भी ऐसा ही दिखावा करते हैं एक आदर्श के जैसे कि भाई मतलब भगवान का नाम लेके भाई भगवान क्या हो और मैं भगवान का, और फिर इच्छा रही दिखाओ ऐसा दिखाओ आध्यात्मिक और फिर पीछे से गलत काम करना, तो मतलब ये भी इसका मिसयूज हो सकता है। और भौतिकता माया है, जैसे अगर अपन अपने ग्रंथों में देखें तो उसमें माया को रिलेटेड करते हैं कि सतो रजो तमोगुण से रिलेट करते हैं माया को, कि भाई जो भी सतो रजो तमोगुण आ गया जो, तो मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या करें जो कार्य को उनको डिवाइड किया गया, कार्य को डिवाइड किया गया कि भाई जो तमोलोक के जो तमोगुण के जो लोग होंगे उस अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, उनकी सोच उस अकॉर्डिंग होगी मांस खाने की जो भी होगी, फिर रजो का इसको नहीं बोल रहा तो मतलब अब वैसे रजो लोग हो गया तो उनका कुछ भी होगा, उनमें जोश होगा कुछ भी करने का, चाहे बिजनेसमैन से मतलब बिजनेसमैन हो गया उससे जुड़े हुए लोग हो गए जिसमें कुछ भी करने की इच्छा ही होगी। और जैसे सतोगुण मानते हैं वो बेस्ट मानते हैं कि सतोगुण से वाले व्यक्ति हो गए जिस अकॉर्डिंग कार्य करेंगे उनमें क्या होगी शांति होगी और उनमें पढ़े मतलब जैसे अध्ययन करने का हो गया, इसमें टीचर हो गया, वैज्ञानिक लोग जोड़ सकते हैं जो मतलब लोगों का भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो मतलब इनमें लेकिन जो भौतिकता हो गए जो भौतिकता माया है तो मतलब इनसे रिलेटेड जो कार्य हो गए इसमें बहुत सारी इच्छाएं होगी। वो जो जिसने अपने स्टार्टिंग में जो किया कि भाई इच्छा रही तो होने वाला आध्यात्मिक से जोड़ा उसमें, तो उसमें थी आध्यात्मिक इच्छा थी, तो इसमें होगी अपनी भौतिकतावादी माया में होगा इसमें अपनी भौतिकता वाली इच्छा होगी कि भाई मुझे जिसमें बता दिया कि सतो रजो तमोगुण से वाले प्रभावित कार्य हो गए, जो तमोगुण वाले लोग हो गए उनका काम होगा दूसरों को हानि, मतलब कुछ काम ऐसे हो गए कि जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाले हो गए, जिसमें इसमें जो रेप हो गया केस हो गया तो रेप हो गया लड़कियों के साथ, या फिर और भी शोषण वाले काम हो गए, तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि भाई ऐसे जो संपत्ति इकट्ठा करना और बिल्कुल हाँ, तो अलग अलग डिवाइड हो गया ना, मतलब माया हो गया, तो माया हो गया एक सतो रजो तमोगुण, जिसे तमोगुण तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हो गया जो दूसरों को गलत निगाह से देखना दूसरों का शोषण करना, जो तामसिक प्रवृत्ति ऐसी इच्छाएं होती है, मतलब ऐसी इच्छाएं घट गई, इनमें इच्छाएं बहुत सारी है, इच्छाएं है कि मुझे उस लड़की का ये हो गया, फिर और लोगों का शोषण करना हो गया, दूसरों को हानि पहुंचाना गया, चोरी करना वो मर्डर करना, तो ये सारे डिजायर हो गया, किससे हो गया तामसी पर्वती से डिजायर हो गए, ये इच्छा है बहुत सारी। फिर जो रजोगुण आ गया उसमें थोड़ा जोश वाला है कि मुझे हर जैसे वो आते हैं ना स्टेटस वो आते हैं ना मोटिवेशन करने वाले कि भाई तुम चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे एक वो ओम शांति ओम मूवी में भी तो है ना वो डायलॉग शाहरुख खान वाला कि भाई तुम पूरी कायनात मिला दे साजिश रचती है उसको, हाँ जिसको से चाहिए, तो ऐसी पर्वती के लोग होते हैं इसमें, तो इसमें ऐसे डिजायर होती है मतलब कुछ भी कर देता है, इसमें यूपीएससी के एस्पिरेंट भी मान सकते हैं, लेकिन मैं उस अकॉर्डिंग मैं तो उस टाइप का नहीं हूँ जिसमें होते हैं लोग कि भाई दिन रात मेहनत करके 24 घंटा यूपीएससी फाड़ डाल रहा है, तो हाँ उनमें तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वो चेंजेस वाली थॉट्स आएगी उसमें, जिसमें कुछ भी जोश होगा परिवर्तन लाना है मुझे, ये हो गया जैसे काल मास मतलब ऐसे हो गया, और जो मतलब तो विस अकॉर्डिंग जो फिर हो गया वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हो गया, तो इनकी इच्छाएं अलग हो गया, तो इच्छाएं इनमें बहुत सारी इच्छाएं है, इनमें बहुत सारी इच्छाएं और अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग है। युवराज पता है ना आपको जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं लॉस्ट हो जाती हूँ कि ये टॉपिक क्या था सच में कुछ भी गाओगे तो जैसे काम चलेगा यही होता और क्या होता है। तो मैं तो पहले को बता दिया था कि भाई मैंने तैयार करके नहीं आया, मैं सिर्फ थीम समझा सकता हूँ बस, क्या नहीं तैयार करके है? मैं तो लेकिन मैं तैयार करके आया था, फिर कल भी ऐसा ही फील हुआ। ठीक है ना, देखो कल भी मेरे को ऐसे मैं कनेक्ट थोड़ा मतलब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ फिर मैं खो जाती हूँ, फिर कनेक्ट करने की कोशिश फिर खो जाती हूँ, तो ऐसा सिस्टमेटिक तो है नहीं, तो आएगा है ना वो चीजें। नहीं सर वो फिर हिंदी में मेरी मैं सिर्फ अपने फीलिंग में जाएगा, कोरिलेट करने में। चलो ठीक है छोड़ो, इधर मैं एक
कहावत है, बोलते ना कि ना राम मिला ना माया मिली, तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत बार अपन ऐसा होता है कि जैसे मतलब देखो एक तो ये हो गया, इसमें आध्यात्मिक सेक्टर जोड़ सकते हो आप, ठीक है। एक व्यक्ति है जो क्या हो गया, ठीक है ध्यान से, ठीक है आध्यात्मिक जैसे युवराज बता रहा था वो सारी चीज़ें वो डाल सकते हो आप। पर देखो दूसरी जैसे UPSC वाला इसने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा सोच रहा है कि मतलब देखो ध्यान समझना कि वो IAS बनना चाहता है भौतिक संपदा ये सब पाने के लिए, ठीक है। परंतु जब रियलिटी में जब उसको पता लगता है कि वहाँ पे चीज़ें कुछ और ही है, ठीक है, तो बहुत सारे जैसे लोग सुसाइड भी करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देखो एक चीज़ याद रखना कि मतलब देखो इच्छा रहित होना कि तुम ऐसे कोई भी इच्छा नहीं रहो, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ इच्छाएँ रहेगी। फिर यहाँ पे ना तो ये पूरा ऐसे फिलोसोफिकल जाएगा कि इच्छाओं पे देखो पहले तो आपको बताना पड़ेगा इच्छा रहित क्या है, इच्छाएँ क्या होती है, काल्पनिक आदर्श यूटोपिया क्या है, ठीक है, भौतिकता माया क्या है, पहले तो ये एक्सप्लेन कर दो। देखो ना जब भी अगर ऐसे लगे कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसको ना ये सबसे बेस्ट तरीका होता है उसमें डिफाइन करो चीज़ों को। आप बताओ इच्छा रहित होने का क्या तरीका है, इच्छा रहित होने के तरीके क्या है, उसके लिए समाधान क्या करना चाहिए। अगर मान लो कि इच्छा ही भाई ऐसा हो नहीं सकता कि जीरो इच्छा है, ऐसा हो नहीं सकता, इच्छाओं पर नियंत्रण क्या, जैसे सर आपने वो जो फर्स्ट वाला बताया था सेल्फ डिस्कवरी का, हाँ जैसे इसमें ना गीता का अध्याय है, वैसे आप जैसे इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला उसमें भगवान कृष्ण को बताते हैं कि कैसे, अर्जुन को बताते हैं कि भाई इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण करना, जैसे घोड़े की तरह घोड़े पर लगाम लगाना पड़ता है, वैसे इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। इच्छा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एकदम जीरो इच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इच्छाओं पर नियंत्रण करके आप जो पाना चाहते हो पा सकते हो। वहीं दूसरी बात भौतिकता, भौतिकता माया जो है वो ठीक है, परंतु भौतिकता जरूरी भी तो है ना, एक बेसिक नीड भी तो है समाज की, तो वो भी तो पानी है ना आपको, परंतु एक सीमा होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन महात्मा बुद्ध का जो है मध्यम मार्ग वाला पाथ अपना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इस ऐसे को मोल्ड करना पड़ेगा कि मतलब पहले आप डिफाइन कर दो, फिर उसके बताओ कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कैसे कैसे, फिर आपको मध्यम मार्ग वाला पाथ उस तरीके से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चौथे टॉपिक के बारे में बताओ शिवानी। अरे कोई बात नहीं, पर आप सोचो कि एग्जाम में आपके पास यही ऑप्शन बचा है आखिर में, तो आप क्या करोगे इसमें, कुछ तो बताओ। जिसमें अभी बताया कि भाई अगर एटलीस्ट नहीं आ रहा तो आप इसको डिफाइन करो, रियल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, फिर रेशनल जो है रियल कैसे बन जाता है, रियल रेशनल कैसे बन जाता है, एटलीस्ट यही। सर ये तो नहीं पता रेशनल होता क्या, रियल तो चलो पता है जो रियलिटी, पर रेशनल क्या होता है, रेशनल ही नहीं जानते हो। यथार्थ है जो, सर यथार्थ जो वास्तविक है जो अपन देख रहे हैं, जो रियलिटी है, जैसे मैथ के फॉर्मूले हो गए 3×2 हो गया तो 6 ही होगा, ये यथार्थ है। जो आत्मनिष्ठ को आत्मनिष्ठ होता है कि जैसे अपने मन के अपने आपने सोच लिया, जैसे आपको ब्लैक कलर पसंद है, हमें वाइट कलर पसंद है, ये हो गया आत्मनिष्ठ हो गया, यथार्थ हो गया जो रियल में है, मतलब रियल मतलब रियलिटी है जिसे अपन देख सकते सिद्ध कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है, मैं बातें बताऊंगा पर तुम लोग सोचो इससे फ्रेंड, मैंने लिखा है इसमें पूरा प्रॉपर, मैं पढ़ के बताऊंगा। हाँ जो हमने यथा सोचा सही तो है ना, कहाँ भाग गई सपना नूरी? अरे यही हूँ, पर मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तेरे को, ये बताइए सत्य यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य, बताइए इसके बारे में। जैसे 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 अर्जुन ने जैसे कृष्ण ने महाभारत में बोला था कि मैं ही सच हूँ, और मैं ही मतलब कुछ ऐसे बोला था ना, वो जो वो वॉर चल रही थी उनकी महाभारत की, ये तो कॉन्सेप्ट है वो, द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। अच्छा इसको नहीं भैया इससे को इस श्लोक से शुरू कर सकते हैं ना ये, आपने जो गीता बोली थी मेरे को श्लोक याद हो गए थे। तो फिर कहाँ चले गए आप, कहाँ भूल गए? मुझे नहीं पता। नूरी बताइए। हाँ याद आ गया, सुख दुखे कमी लावा लावो जया जयो, इसका मतलब ये है
कि जब अर्जुन जी बोलते हैं ना कि मैं ये इतना सारा युद्ध होगा, इतने सारे नुकसान की हानि होगी, लोग मरेंगे, हाहाकार बीतेगा, मतलब दुख होगा सबको घर में, ऐसे होगा, तो फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ये जो हो रहा है ये सब मेरी कृपा से हो रहा है, अगर कुछ भी होता है तो ये सब मेरे ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य बनता है वो तुम करो, बाकी का अगर तुम जीतते हो तो तुम राजभोग को भोगोगे, अगर तुम हार के अगर वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुले हुए, तो तुम्हारी दोनों दशाओं में ही मतलब फायदा है, ऐसे बोला था, इसलिए तुम तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो। अरे तुम लोग ठीक है, चलो ऐसे पढ़ते हैं मेरा, अरे काम करके आओ, ऐसे तुम लोग ऐसे उठ के आ जाओगे मोटा के तो कैसे काम चलेगा। अरे हाँ क्या होता है सब, हाँ अरे कुछ नहीं, मैं ये बोली थी, मैं पक्का, मुझे सच में नहीं पता, मुझे लगा था कि एक ही पूछोगे। अच्छा अपने अनुसार सोच लोगे, पूछ लेना, तुमने एक भी नहीं बताया सही से। हाँ तो क्या कर रही है, मैंने नहीं बोला था, मुझे तो पता था आज मेरा नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, देखो सती यथार्थ है, यथार्थ सत है, अब ध्यान से समझना ठीक है। टोक्यो ओलंपिक उस टाइम 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ था, परंतु नाम उसका वही रहा था, तो मैंने वहाँ से शुरुआत किया इसको। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत को बहुत कुछ सिखा कर गया है, और सदियों पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं, सामाजिक अंधविश्वासों, पितृसत्तात्मक जैसी सोच एवं परंपराओं पर बहुत बड़ा प्रहार था, जब मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला पदक हासिल किया, तो महिलाओं और पुरुषों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। भारतीय समाज में जहां स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा जाता था तथा उन्हें घरेलू कार्यों तक ही सीमित कर दिया जाता था, और समझा जाता था कि महिला सिर्फ इन्हीं कार्यों के लिए बनी है, परंतु क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य या वास्तविक था? अब देखो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, उस तरीके से शुरू किया, इसका अवलोकन करते हैं। वास्तविक रूप से मीराबाई चानू ने इसके लिए बहुत मेहनत किया, सामाजिक प्रथाओं का उल्लंघन किया, तब जाकर उसको यह पदक मिला। उसकी स्टोरी देखना, मैंने सुना था उसी टाइम जब उसने जीता था, तो तुम्हें पता वो मतलब अपने घर से 20-25 किलोमीटर प्रैक्टिस के लिए जाना होता था, तो वो पहली बार जब जा रही थी तो ट्रक था, मतलब जैसे होता है ना ट्रक चलाने वाले माइनिंग वाले ट्रक थे, तो उनको हाथ देती है, सोचो एक लड़की है और 20-22 साल की एज की लड़की, कुछ भी हो सकता है गलत, परंतु उसने उस चैलेंजेस को किया सामना और वो गई वहाँ पे, तो इतना ईजी नहीं होता है भाई, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनको बदलना पड़ता है। सामाजिक प्रथाओं को उल्लंघन किया, और दूसरी बात वो लड़की होके सोचो कि जहाँ लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि भाई घर परिवार संभाले, उस अकॉर्डिंग मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा फाइनल, अभी उस बुक में एक चीज़ मेरे को आज सीखने को मिली, उसमें बताया गया कि पहले अगर आप देखो ना स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भी, तो सरोजिनी नायडू थे, जो उस टाइम जो महिलाओं को एजुकेशन की मांग थी वो कैसी मांग थी, भाई घरेलू शिक्षा दी जाए, और एक आदर्श महिला कौन सी होगी जो अच्छी सेवा कर सकती है, अच्छा खाना बना सकती है, सोचो उस टाइम का आइडियल पैरामीटर ये था, और आज का देखोगे तो क्या है, तो समझ रहे हो, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती है। सामाजिक प्रथाओं को उल्लंघन किया तब जाकर उसको यह पदक मिला, उसके पीछे बहुत दिनों की कठोर मेहनत परिश्रम है, तब जाके यथार्थ साबित हुआ, समझ रहे हो। अब मैंने वो जो टॉपिक है दोनों चीज़ों क्लियर कर दी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उसकी सीमाओं या शक्तियों का आकलन हुआ है, तब उसको विजेता घोषित किया गया, तभी सत्य जो है यथार्थ में वो हुआ है। यही वास्तविक स्थिति पैरा ओलंपिक में इस बार भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक कमजोरियों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाई, तब जाकर वो भारत के लिए पदक हासिल कर पाए। इसके पीछे वास्तविक कारण उनकी कठोर मेहनत व लगन थी, जो पदक रूपी यथार्थ में दिखी। आप समझ में आया, तो मैंने उसको ही क्लियर कर दिया कि सत्य यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। अभी तक उसमें ऐसे पढ़ने से इतना क्लियर नहीं होगा, मतलब ऐसे हो सकता है ना कि मतलब इसका अगर सारांश ले कि भाई पहले मान्यता थी कि भाई जो लड़कियां है वो मतलब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली घर के काम होता है कि सीमित है, वो अपने पति को खुश करो, बच्चे पैदा करो, यहीं तक ही थी। ये तो क्या थी, एक गलत मतलब ये धारणा थी, एक धारणा ये थी। बट फिर जो अपन क्या है, मतलब अपन मतलब सत्य का एक फॉर्मूला लगा कि बस सत्य ये नहीं होता, मतलब सत्य ये होता कि हर प्रकृति में सब कुछ सेम होता है, और जो चाहे लड़कियां हो चाहे विकलांग हो कोई भी हो, अगर वो मेहनत करेगा
तो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो भी है उसका लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता है, तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ये तो अपने पास एक सत्य है, ये तो एक सत्य हुआ कि भाई कुछ भी लोग मेहनत करेंगे तो अपनी सफलता को साबित किया ना, तो मैं वही बोला ना एग्जांपल दिया, तो मैं उसकी तो क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे करके ये तो अपना सत्य हो गया। और फिर जब उन्होंने मेडल हासिल किया तभी तो यथार्थ बन गया, तभी तो मैंने बोला मीरा भाई चानू ने जब वैश्विक लेवल पे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया तब जाके ये साबित हुआ। हाँ तो मैं भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, सत्य ही यथार्थ है, इसका तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक रूप से विद्वान है उसको प्रयोग व परीक्षण के द्वारा पुष्टि की जा सकती है। मतलब जो ट्रूथ होगा ना तुम उसको किसी भी पैमाने पे नाप लो वो ट्रूथ ही रहेगा। ठीक है, प्रयोग व परीक्षण के द्वारा पुष्टि की जा सकती है। इसको समझने के लिए हम पुनः जागरणकालीन समाज में बूझो तो जानो एवं प्रयोग परीक्षण पर बल देने के कारण बौद्धिक एवं तार्किक युक्त चेतना का विकास हुआ, जिससे वैज्ञानिक क्रांति आई, बल्ब की खोज हुई जो थॉमस एल्वा एडिसन ने की, भाप इंजन की खोज हुई, इनके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। अतः हम यह कह सकते हैं वास्तविक जो है सत्य की खोज में यथार्थ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे मैं जो रेशनल है, मतलब जो देखो अगर आप औद्योगिक क्रांति की खोज करोगे भाई कैसे हुई तो इसके पीछे कारण है, और वो जो बुद्ध जो जानो रेशनल जो युग था तार्किक युग हुआ तब जाके उसके कारण ये परिणाम आया, तो यही हो गया कि भाई सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही जो है सत्य है। अब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के बारे में जब अवलोकन करते हैं तो ये सुनिश्चित होता है कि जो वास्तविक रूप से विद्वान है, देखो वो जो ध्यान से समझना, जब न्यूटन ने जब उसको सेव गिरा तो क्या सेव के पहले से नहीं गिर रहा था क्या, ऐसा नहीं कि वो पहली बार गिरा, पहली बात। दूसरी बात, जो उसने ग्रेविटेशनल लोल दिया वो पहले से ही था विद्वान, परंतु उसने क्या किया बस उसको यथार्थ में रूप में लाया, वो तो सत्य है भाई पहले से था ग्रेविटेशनल लोल, उसको यथार्थ रूप में लाया है। ठीक है, जो वास्तविक यथार्थ का मतलब सत्य को दिखाना, हाँ या मतलब मैंने इसको लिया रेशनलिटी, जैसे मतलब आप किसी भी सत्य को किसी भी पैमाने पे नापोगे तो जो लॉजिक होगा उसके पीछे तो वो एकदम एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों एक ही चीज होगी ना, सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है, जो लॉजिक उस पैमाने के आधार पर सत्य को भी प्रूफ होगा, सत्य के द्वारा ही जो तुम है उस लॉजिक तक भी पहुंच पाओगे। तो इन दोनों में जो ऐसी थीम यही है। ठीक है, अब देखो उसके प्रयोग और परीक्षण के द्वारा साबित किया जा सकता है जो कार्य न्यूटन ने भी किया, गुरुत्वाकर्षण नियम वास्तविक रूप से विद्वान था परंतु जब उसने खोजना शुरू किया तो उसकी प्राप्ति हुई। ठीक है, तो सत्य को ही उसने यथार्थ में बदला और यथार्थ ही उसको सत्य में बदला। अब हम भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर नजर डालें तो यह पाया गया कि जब उन कुरीतियों को यथार्थ या तार्किकता, ठीक है, लॉजिकली के धरातल पर नापा गया, जैसे मान लो सत्य पड़ता ये सब सारी चीज़ें, तो गलत साबित हुई, तो सबाई बात है जो गलत साबित हो गया तो सत्य नहीं होगा ना, समझ में आया ये चीज़। आप लोग तो अगर रेशनलिटी के आधार पर आप नापेंगे, अगर सत्य होगी तो साबित हो जाएगा, जैसे भाई न्यूटन ने नापा तो वो सही सत्य साबित हो गया जो था, अब जो सत्य साबित जो मान लो कि आप रेशनलिटी पर नापेंगे अगर वो सत्य नहीं होगा तो वो सबाई बात तो गलत होगा। तो वही मैंने बोला कि जो पहले जो परंपराएं चली आ रही थी वो जब उसको रेशनलिटी के आधार पर नापा गया तो वो गलत साबित हुई, जैसे प्राचीन भारतीय समाज में सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह पर प्रतिबंध के कारण महिलाओं को बहुत शोषण हुआ, तो राजा रोमन राय एवं ईश्वरचंद विद्यासागर ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, यह कुरीतियाँ समाप्त हुई। सर जो प्राचीन काल में जिस टाइम ये सती प्रथा चल रही थी उस टाइम तो वो सत्य थी, पर नहीं, पर बात रियलिटी में सत्य क्या है, जब वो उसको यथार्थ पे अगर रेशनलिटी पे नापोगे तब पता लगेगा ना, तो यही तो ऐसे की थीम है, रैशनलिटी पे नापा तो फिर वो गलत हाँ। निकली तो फिर वो जाके आगे यथार्थ आगे वो खत्म हो गया, वो अरे वो नहीं बदला ना, वो तो खत्म हो गया ना फिर वो चीज। ठीक है, फिर तो सब वर्ल्ड व्यवस्था भी तो हो सकती है ना, हाँ, आएगा तो वही तो मैं बात है ना आपको डालना है, वही तो चीज है ना, आप उसको कैसे कोरिलेट करते हैं। सर यथार्थ ऐसा है कि जो एक पैमाना मान सकते हैं, जैसे कि आप जैसे आपने महिलाओं का एग्जांपल दिया, महिलाओं का जो पहले उसमें था कि पति की सेवा करना और अच्छे से रहना सहन ये सब घरेलू कामकाज भी अच्छे से सर्विस दे, इसी उस पे पैरामीटर पे था, लेकिन जो सत्य था वो कुछ और था, इक्वालिटी ये थी कि महिलाओं को भी जैसे कि अभी आर्मी फोर्स में इसमें इन सब में महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा, तो सत्य ये है ना, तो मेन चीज ये है, तो ये इसको एक हम वो मान सकते हैं कि जो इसमें यथार्थ एक ऐसी चीज है जो हम यथार्थ के माध्यम से प्रयास करते करते सत्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो राजा मनोहर राय विद्यासागर ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो यह कुरीतियाँ समाप्त हुई। अगर वास्तविक रूप में ये कुरीतियाँ समाज के लिए लाभदायक थी तो समाज को ये कुरीतियाँ क्यों छोड़नी पड़ी, तो ये सभी की बात है, इसका मतलब सत्य नहीं थी। इसी का अन्य उदाहरण अफ्रीकी
अमेरिकी लोगों के साथ जो सदियों से शोषण होता आ रहा था वो किस आधार पर सही था। इसी कारण जब रोजा पार्क्स एंड जूनियर किंग लूथर ने इसके खिलाफ विरोध किया तो लोगों के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। इससे यह साबित होता है कि जो वास्तविक नहीं है वो टिकेगा नहीं, वो टिक नहीं सकता। ये नस्ल भेद, रंग भेद, जातिवाद, धर्मवाद सब मनुष्य की उपज है। जब इनको चुनौती दी जाती है तो ये ठीक नहीं पाते हैं। इसको हम अन्य उदाहरणों से भी समझ सकते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला एवं भीमराव अम्बेडकर ने जो सहा फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो नीतियों एवं सामाजिक कुरीतियों में बदलाव आया। तो इसका मतलब वो सही नहीं थी, अगर सत्य होती तो वो यथार्थ पर टिकती ना, तो यथार्थ पर टिकी नहीं। ठीक है, अब हम महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के जीवन में भी सीख सकते हैं कि उन्होंने गणित में बहुत रुचि ली। ये मूवी जरूर देखना, रामानुजन की मूवी भी देखना। ठीक है, उन्होंने गणित में बहुत रुचि थी, परंतु जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वह अन्य विषयों में फेल हो गए तो उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। परंतु उन्होंने गणित को पढ़ना जारी रखा तो उनकी प्रतिभा को देखकर डॉक्टर जे एस हार्डी था, तो इन्होंने एक हार्डी नंबर भी दिया था, ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुलाकर पीएचडी की डिग्री प्रदान की। इससे यह साबित होता है उनका जो गणित का ज्ञान था वो वास्तविक था, तभी तो देखो उसको पीएचडी की डिग्री मिली। उसको किसी डिग्री के द्वारा मापा नहीं जा सकता था। आज भी उनके द्वारा दिए गए सूत्र पर पीएचडी के विद्यार्थी शोध करते हैं क्योंकि वो यथार्थ है। ठीक है, सर ये स्टार्टिंग में कर सकते हैं, यहां से अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय जीवन पद्धति लगभग धार्मिक रही है, परंतु जब इसको वास्तविक धरातल पर नापने का प्रयास करोगे तो यथार्थ कुछ अलग ही निकलता है। परंतु फिर भी भारत एवं पूरे विश्व के लोग एक विश्व शक्ति पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। जब इसकी यथार्थ के द्वारा इसकी वास्तविकता का पता किया गया तो पता चला कि लोगों के विश्वास से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। मतलब मैं बताया हूँ गोड वोड के बारे में जो लोग सोचते हैं उसके बारे में। अब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा के प्रयोग से भारत को आज़ादी दिलाई, यह यथार्थ है। ठीक है, परंतु क्या यह वास्तविक भी है? इसके लिए हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर का परीक्षण करना होगा। उस समय कांग्रेस की स्थापना उदारवादी व उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारधाराएं थी, परंतु गांधी के सत्याग्रह, साधन साध्य की पवित्रता, जनमानस की समझ, विनम्रता, सादा जीवन, उच्च विचार जैसे गुणों ने गांधी को अंग्रेजों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान की। गांधी जानते थे कि हिंसा को अंग्रेज बलपूर्वक दबा सकते हैं तथा लोग भी हिंसा के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए गांधी ने भारत का अहिंसा व सत्य के मार्ग से आज़ादी दिलाई। इससे यह साबित होता है कि यथार्थ ही सत्य है। तो गांधी जी जानते थे ये रीज़न है, इसलिए अपने को यही रास्ता अपनाना है, और उसने उस चीज़ को प्रूव किया। वर्तमान युग में सभी मनुष्य सुख की प्राप्ति चाहता है, यह सत्य है, सब सुख चाहते हैं, ये सत्य है भाई, ये तो बात स्वाभाविक बात है, सत्य है। अतः मनुष्य इसके लिए योगा करता है या भौतिकवादी विचारधारा अधिक धन संपदा की प्राप्ति करना चाहता है। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है लेकिन लालच की नहीं। जो महात्मा गांधी की कोट है वो मैंने डाल दी, अभी मैं बोलता हूँ जब भी कोट डालो तो पहले बैकग्राउंड बनाओ। इसके कारण मनुष्य दुखी रहता है क्योंकि मनुष्य अपने आप को जान नहीं पाता है क्योंकि वास्तविक खुशी किस में है, कि उसकी वास्तविक स्थिति किस में है, यही यथार्थ है। कि जब तक वो यथार्थ को नहीं जानेगा, देखो सत्य तो है कि बस सब खुश होना चाहते हैं, पर वो किस चीज़ में खुशी ढूंढेगा ये यथार्थ है। अब वो जब तक इसकी नहीं प्राप्ति करेगा तो वो तब तक उसको खुशी मिलेगी नहीं। वर्तमान में हम समाज के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, परंतु जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तो कैसे देश सशक्त हो सकता है? यह वास्तविकता है, इसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी समझ सकते हैं, कि कथन से भी समझ सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया तब जाके मैंने कोट डाला है। किसी समाज की प्रगति देखनी है तो समाज में महिलाओं की प्रगति देखो, तभी वो सोसाइटी लेवल पर प्रोग्रेस दिखेगा। समाज में जब तक वंचित वर्गों का सशक्तिकरण नहीं होगा तो हम एक संपन्न भारत की बात कैसे कर सकते हैं? यह वास्तविकता है, तो ये वास्तविकता है कि जब तक हम जैसे देखो अभी राम राज्य की बात की जाती है, सब ये वोट बैंक की राजनीति है, कुछ भी नहीं। क्या वास्तविक धरातल पर है ऐसा? कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही अपन भारत को विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, एक तरफ है कि गरीबी, भुखमरी, ये सब सारी चीज़ें, तो कैसे हो जाए? यथार्थ के लेवल पे नापोगे तो वो यथार्थ होगा ही नहीं वो। ठीक है, तो वही मैंने एग्जांपल डाला है कि संपन्न भारत की बात कैसे कर सकते हैं। ये वास्तविकता है, अतः इसको यथार्थ में बदलने के लिए सामाजिक कल्याण करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, कौशल शिक्षा, हर हाथ को रोजगार सुनिश्चित करना होगा। भारत एक विश्व गुरु बनना चाहता है, परंतु इसके लिए वास्तविक स्थिति क्या है इसको भी तो अवलोकन करना होगा। आज तक हम महिलाओं और पुरुषों को 100% शिक्षा नहीं प्रदान कर सके, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को बेसिक गणित का ना आना, जैसे मैंने ऐसा रिपोर्ट डाल दिया। छात्र शिक्षक अनुपात अधिक होना, नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने डाल दी। स्कूलों से बच्चों को ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होना,
नीति आयोग रिपोर्ट है 875 करके मैंने वो डाल दिया। अगर ये खस्ता हालात रहेगी तो हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? ठीक है, ये हालात चिकित्सा के क्षेत्र में COVID-19 के दौरान चिकित्सकों की कमी, नर्सों की कमी, अस्पतालों की अवसंरचना की कमी, बेडों की कमी, ये वास्तविक स्थिति है। ये भारत की स्थिति है और भारत को तुम विकसित देश बता रहे हो। ठीक है, भारत की तो कैसे वास्तविक स्थिति है, भारत की तो कैसे 2024 तक हम $5 trillion की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे? देखो, याद करो 2019 से चुनाव इन्होंने बीजेपी वालों ने उसी आधार पर लड़ा था कि हम $5 trillion इकोनॉमी बनाएंगे 2024 तक। क्या हुआ? साबित हुआ वो? इसका मतलब सत नहीं था, वो झूठा था। आज वो प्रूफ भी हो गया। अगर सत होता तो वास्तविक, अगर आज पैमाने पर सही उतरता, पर नहीं उतरा ना, तो डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे? जब हमारे मानव संसाधन स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दे पाएंगे? अतः हम यथार्थ की प्राप्ति के सत की जानकारी होनी अति आवश्यक है। इसके लिए हमें GDP का 25.5% स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करना होगा और शिक्षा क्षेत्र में 6%। तभी कुछ समय हुआ, मैंने उस टाइम देखो 2021 में लिखा था ऐसे, तो उस टाइम मैंने बोला कि अगर इसको अगर यथार्थ में बदलना है तो वो तभी संभव होगा जब आपको भाई हेल्थ सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब होगा। हम विद्यार्थी जीवन के स्तर से भी इस स्थिति को समझ सकते हैं। जब उसको अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं होगा तब तक वो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। अतः इसके लिए उसे आत्मविश्लेषण, आत्मसंज्ञान करना पड़ेगा ताकि अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगा सके। निष्कर्ष है, हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य को वास्तविक सत्य जो है स्थितियों का पता नहीं होगा तब तक वो समाज में देश का कल्याण नहीं कर सकता। यह हम प्रशासन के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। जब उसको वास्तविकताओं का पता होगा तो वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा और देश हित में कार्य कर पाएगा। वहीं राजनेता भी दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों की सेवा कर पाएगा, तभी हमारा भारत कुशल में कुशल बनेगा, तब लोग खुशी से गाएंगे सारे जान सच्चा। तो वो मैं लिखता ही हूँ। तो मतलब मेरा मानना कि आप इसको बहुत सारे सेक्टर में ढाल सकते हो कि भाई कैसे सत्य यथार्थ बदलेगा और यथार्थ सत्य में कैसे बदलेगा। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ असत्य होगी ना तो वो उसको रैशनलिटी पे नापोगे आप तो वो नहीं, वो साबित नहीं हो पाएगा। सर, इसके लिए टॉपिक की पहले प्रॉपर नॉलेज चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से समझ आना चाहिए तभी इतना कुछ निकलेगा कुछ। तो वो तो है ही, वो तो आपको उस लेवल पे जरूरी है ना, आपको समझना ही पड़ेगा वो चीज़। विदाउट आप टॉपिक को देखो, जिस आप जैसे पाला जुलाने वाले हाथों में संसार बाट, याद करो कि कल ही ऐसा एक और ऐसे था। अब यह ना ऐसे देखोगे ना रिपीट होते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो कल ये काम करके आना, सपना है, कब कल कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हाँ, पक्का नहीं होगा, पक्का सब से नहीं होगा। पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं सच में पता है जब भी मैं